योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणाश्रवणा त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यानमामितम् हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है हमारे तीसरे दिन की कथा में हम पहले दिन हमने राम भरत मिलाप डिस्कस किया और दूसरे दिन कल हमने डिस्कस किया अरण्य कांड से अरण्य कांड का हमने एक पार्ट कल किया और आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे अरण्य कांड भगवान रामचंद्र जब सीता माता के साथ और लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट से निकलकर कर में आगे जाते हैं पंचवटी तक वहाँ से शुरू होता है तो हमने डिस्कस किया डिटेल में कैसे वहाँ पर उनका सराभंगा ऋषि मिलते हैं फिर सुतीक्षण ऋषि फिर अगत्य ऋषि के आश्रम में जाकर फिर वहाँ से वो जाते हैं कहाँ पर पंचवटी में वहाँ पर शूरपनका का जो पास टाइम है फिर खरदूषण का वध और फिर हमने डिस्कस किया कैसे आ, रावण का जो काम वासना है वो जागृत होता है और वो सीता माता को अपहरण करने का निश्चय करता है और फिर वो मारीच के पास जाता है और मारीच का हेल्प लेकर मारीच के मदद से अभी वो योजना बनाता है सीता माता को किडनैप करने का अपहरण करने का तो ये हमने कल डिस्कस किया था और मारीच जो है वो गोल्डन डियर बनकर सोने का हिरण बनकर वो आते हैं सीता माता के पास और भगवान राम उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं तो हमने वो डिस्कस किया और अंत में कैसे मारिच अपना शरीर को त्यागता है भगवान राम के तीर को लगने से फिर वो जोर से चिल्लाता है सीता और लक्ष्मण का नाम पुकार कर वो अपना प्राण त्यागता है और भगवान राम समझ जाते हैं उस समय कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था राक्षसों का और ये जानकर और ये सोचते हुए कि कैसे अभी सीता जो है वो बहुत बड़ी आपत्ति में रहेगी तो भगवान राम दौड़ पीछे आते हैं वापस अपने कुटीर में तो वहाँ से अब अभी हम कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे हुँ? तो आप प्लीज़ कृपया ध्यान से सुनिए ये कथा तो हम सब जानते हैं पर फिर भी हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए हम इसको पुनः दोहराएंगे और श्रवण करेंगे तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया कल कैसे सीता माता जो है वो लक्ष्मण को आग्रह करती है कि वो जाकर भगवान राम को बचाएं और जब लक्ष्मण माता सीता को आश्वासन दिलाते हैं तो सीता माता जो है लक्ष्मण के चरित्र पर ही प्रश्न उठाती है तो लक्ष्मण बहुत दुखी होकर वो भगवान राम के खोज में निकल जाते हैं तो इधर हमने डिस्कस किया कैसे सीता माता अपने विवेक को खो देती है क्योंकि वो भावनाओं में इतनी इमोशंस में इतनी वो गेट्स कैरिड अवे तो अब लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकले हैं और राम आ रहे हैं वापस अपने कुटीर में और यहाँ पर अब सीता माता के सामने कौन आता है रावण और उसने वो क्या करता है रावण अभी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे रावण बाहर आता है कैसा वस्त्र धारण करता है रावण पहले एक साधु का वस्त्र धारण करता है ड्रेस्ड एज अ साधु एंड वो देखता है रावण कि सीता माता रो रही हैं जोर जोर से क्रंदन कर रही हैं क्योंकि अभी लक्ष्मण गए हैं राम को लाने के लिए और जब रावण देखता है कि कुटीर के बाहर सीता माता बैठ कर रो रही हैं तो वो जब रावण सामने आता है रामायण में वर्णन आता है कि सारे जो पशु थे पंचवटी में सब भयभीत हो जाते हैं रावण को देख कर हालांकि वो साधु के कपड़े में है पर उसे देखकर सारे प्राणी इधर उधर भागने लग जाते हैं और इस तरह का वर्णन है कि रावण के वहाँ उपस्थित होने से जो हवा है वो बहना बंद कर देता है इवन विंड गेट्स स्केर्य ऑफ रावण और गोदावरी नदी जो बह रही थी वो भी भयभीत हो जाती है और वो पूरा स्लो हो जाती है जैसे इसमें इस बहुत सुंदर वाल्मीकि मुनि उत्प्रेक्षा करते हैं कि जैसे कोई एक कुआं है बहुत गहरा कुआं है उसको शिकारी क्या करते हैं हाथी को पकड़ने के लिए उसको ढक देते हैं बहुत ही आकर्षक घास के साथ तो बाहर से लगता है कि बहुत अच्छा घास है पर जैसे ही कोई उसके पास जाएगा तो नीचे गिर जाएगा तो रावण उस तरह से उसने साधु का वेश धारण किया था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही निर्दोष बहुत ही पावन बहुत ही पवित्र व्यक्ति है पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा उसका एक बुरा इच्छा था बैड डिज़ायर था और जब वो सामने आया देखा उसने कि सीता माता रो रही हैं और सीता माता को समझ में नहीं आया कि ये साधु आए हैं ये ढूंगी रावण आया है सीता तो माता रो रही तो रावण सामने आकर सीता माता का दर्शन करता है और उसकी उनकी सुंदरता को देख कर वो बहुत प्रभावित होता है उसकी काम वासना जागृत होती है और फिर वो अपने आप को संभाल कर क्योंकि उसका पूरा प्लान रहता है सीता माता को वहाँ से किडनैप करने का तो वो कहता है भिक्षाम दे भिक्षा मांगता है और इस समय रावण बड़े काव्यात्मक ढंग से माता सीता को संबोधित करता है मतलब वेरी पोएटिकली स्टार्ट एड्रेसिंग जैसे वो कहता है ओ सबसे अति सुंदर वो, वो सीता माता को ई कॉलर एज अ मोस्ट ब्यूटिफुल वन एंड देन इज यू आर द स्पलेंडर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एडॉन्ड विथ जेम्स यू आर लाइक अ फुल्ली रेडियंट ब्लूमिंग लोटस तो रावण को लगता है कि अगर वो सीता माता की प्रशंसा करेगा तो वो आकर्षित होगी क्योंकि रावण ने बहुत सारे राजकुमारियों का अपहरण किया था और उसको किसी के साथ जबरदस्ती करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा था मतलब स्टार्टिंग में उसने किया था जबरदस्ती पर उसको जब श्राप मिला बहुत बड़ा स्टोरी है वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे नलकुबेर रंभा का जब उसने जबरदस्ती उसने बलात्कार किया था तब तो ब्रह्मा जी का श्राप लगा था उसे अगर वो किसी के साथ जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका संबंध करेगा तो फिर उस वो उसी क्षण मर जाएगा तो उसके बाद रावण केवल अपने प्रभाव से राजकुमारियों को जीत रहा था तो उसे लगा कि अगर वो सीता माता की प्रशंसा करेगा तो वो भी आकर्षित हो जाएगी तो रावण ने कहा आप इतने सुंदर हो हुँ? आप इस वन में क्या कर रहे हो वो मोस्ट ब्यूटिफुल वन आपको तो बड़े महल में रहना चाहिए हु? आप कौन हो आपके प्रोटेक्टर कौन हैं देखिए बहुत ही विचित्र परिस्थिति है एक साधु का कपड़ा पहना है और साधु किसी महिला की सुंदरता का प्रशंसा करना ये बहुत बड़ा गड़बड़ मतलब यू कांट साधु कैन नॉट प्रेज द ब्यूटी ऑफ अ वुमन उधर ही उसने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया बट सीता माता जो है वो बहुत वो कंदन में रो रही थी राम के विरह में और और उसने जैसे ही देखा ये आवाज़ सुनी रावण की तो वो उसने देखा ऊपर देखा साधु है और अब इतने साल से वन में रह रहे हैं तो सीता माता को वो कल्चर है संस्कृति है कि साधु संतों का सेवा करने का तो सीता माता ने तुरंत अपने आप को संभाला और उसे बचपन में भी सीता माता को जान जनक महाराज ने भी ट्रेनिंग दिया था साधुओं की सेवा करने का तो तुरंत वो अंदर से पानी लेकर आई और उसने कहा कि आप आइए आपका स्वागत है प्लीज़ कम और अपना परिचय दिया क्योंकि रावण ने उनका परिचय पूछा था तो सीता माता ने कहा मैं जनक महाराज की पुत्री हूँ श्री राम की पत्नी हूँ और मेरे पति श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण वन में गए हैं फल फूल लाने के लिए कुछ प्रोड्यूस लाने के लिए आप आइए और वो आपका अच्छी तरह से सत्कार करेंगे पर आप कौन हैं वो संत महात्मा जी आप इस बहुत ही भयानक वन में अकेले चरण कर रहे हैं आप कौन हैं तब रावण ने निश्चय किया कि अब मैं अपना असली परिचय देता हूं तो अभी अभी तक रावण को लग रहा था कि सीता माता जो है उसके प्रशंसा करने से उसके पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगी तो रावण ने कहा हो सीता यू आर मोस्ट ब्यूटिफुली फॉर्मड विथ योर डार्क आईज एंड रेड लिप्स ओवर द टीथ दैट रिसेंबल द रो ऑफ पर्ल्स यू हैव कैप्चर्ड माई हार्ट माई माइंड इज टोलन अवे ऐसा करके रावण ने सीता माता को कहा तो जब ये प्रशंसा सुना सुना सीता माता ने शी वॉज शॉक्ड। तब रावण ने डिक्लेयर किया आई एम रावण मैं रावण हूं सारे राक्षस असुर मनुष्य गंधर्व किन्नर सब लोग मेरे से भयभीत होते हैं और जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा इंटरेस्ट अभी किसी भी रानियों में नहीं है तो मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मेरे साथ लंका चलो और लंका के बहुत भव्य आलिशान महलों में रहो और पांच हजार दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी इस तरह से वो प्रपोजल देता है और सीता जैसी सीता माता जैसी इस बात को सुनती हो तो बहुत क्रोधित हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है वो कहती कि कि दुष्ट रावण आई एम चेस्ट मैं पतिव्रता हूं आई एम डेडिकेटेड टू राम आई विल नेवर अबैंडन राम ओ रावण यू आर अ जैकल उसे एक श्रृगाल कहकर वो पुकारती है तुम इतने ब्रेजन यू आर सो ब्रेजन टू कवेट मी एंड बहुत इंटरेस्टिंग देखिए क्या सिचुएशन है वहां पर सीता माता इज लुकिंग डिस्टेनफुली एट रावण बड़े मतलब होता है ना डिस्गस्ट के साथ वो रावण को देख रही है and ravan looks at her lustfully this is the situation at panchavati and she felt sick she was feeling very disgusted with this personality what a creature how could he even imagine this and she started saying how disgraceful you are wearing sadhus clothes or as a lagi तो रावण यह सुनकर मुस्कुराने लगा क्यों क्योंकि रावण का मेंटेलिटी था हो दिस इज अ वेरी फायरी लेडी फॉर द लस्टी मैन दे लाइक फायरी वुमेन पैशनेट वुमेन सो ही वाज थिंकिंग फ्रॉम हिज कैलकुलेशन दैट शी इज अ वेरी फायरी वुमेन एंड ही वाज एंजॉयिंग इट बट सडनली व्हेन यू आर स्माइलिंग सीता माता बिकेम मोर एंग्री एंड शी सेड नो वन कैन टच मी कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता जैसे आप सूर्य के किरणों को नहीं छू सकते तुम्हारी तो इच्छा है ये दुष्ट रावण वो मृत्यु को न्योता देने के जैसा है तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और भूखे शेर के मुंह उसके मुंह में हाथ डाल रहे हो ऐसा वो बोलने लगी तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो ये वैसा ही विष है जैसे कोई बहुत ही वीक व्यक्ति मंदार पर्वत को अपने भुजाओं पर उठाएगा तो कैसा होगा या कोई व्यक्ति अपने कंधे पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर समुद्र को पार करने का प्रयास करेगा तो कैसा होगा तो ये वैसे ही है तुम सूरज और चंद्रमा को अपने हाथों से छीनना चाहते हो ये संभव नहीं है इस तरह से बार बार सीता माता रावण को डांटने लगी धिकारने लगी फिर वो चिल्लाने लगी सीता माता के तुम मुझे uh, क्योंकि रावण वॉज रेडी टू कैचर सीता माता न्यू दैट अभी इज गोइंग टू फोर्सफुली टेक मी सीता माता सेड तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे तुम डरपोक हो, कायर हो तुम मेरे राम को युद्धभूमि में, में फेस करो देन यू विल बी स्लेन और मुझे लेकर कहाँ जाओगे तुम समुद्र के गहरा में छिप जाओगे या स्वर्गलोक में भी जाओगे तो मेरे राम के तीर तुम्हें पकड़ेंगे वहां पर यू नॉट टेक मी तो इसमें इंटरेस्टिंग इमोशन है सीता माता का वाल्मीकि मुनि डिस्क्राइब्स दैट शी वॉज वेरी एंग्री एंड वो भयभीत भी थी शी वॉज फियरफुल ऑल्सो एंड शी वॉज एंग्री ऑल्सो एंड शी वॉज शेकिंग लाइक अ सैपलिंग इन अ स्टॉम उसका वर्णन है जैसे केले का एक वृक्ष होता है वो तूफान जब आता तो कैसे हिलता है तो सीता माता उस तरह से बहुत ही भयभीत थी गुस्से में तो क्रोधित थी और रावण और अधिक उत्तेजित हो गया और अपना स्वयं की प्रशंसा करने लगा जोर जोर से कि सीता करके उसने सीता माता को पुकारा और कहा कि देखो मेरे पास तुम लंका में आओगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे पास पुष्पक विमान है जो मैंने कुबेर से ले लिया था और जब मैं खड़ा रहता हूं देखो मैं यहां पर खड़ा हूं सूरज की किरणें अपने आप शीतल हो जाती हैं जब मैं जिस स्थान पर खड़ा होता हूं तो हवा बड़े प्यार से बहती है शिडवन फ्लो विद विगर और सारी नदियां काम हो जाती हैं सो रावण वॉज ट्राइंग टू इंटीमीडिएट अर बट सीता वॉज नॉट इंटरेस्टेड इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे श्री वैष्णव जो आचार्य हैं वो सीता माता का मतलब ये तो लीला है भगवान का और हमें तो वैसे सुनना चाहिए पर वैष्णव आचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानंद संप्रदाय में वो सीता माता को एक साधक के साथ कंपेयर करते हैं जो भगवान को पाना चाहता है भगवान के साथ रहना चाहता है और लक्ष्मण को गुरु क्योंकि आदि गुरु हैं वो अनंत शेष हैं तो जैसे जब हम गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो माया के वश में आते हैं तो जिस तरह से सीता माता ने लक्ष्मण के आज्ञा का पालन नहीं किया उसके बाद रावण ने उनका अपहरण किया उसी प्रकार जब हम गुरु के दिए हुए आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो हम माया के वश में आ जाते हैं इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं तो सीता माता को फिर रावण बोलने लगा कि अरे तुम राम से इतना क्यों प्रेम करती हो राम तो एक सामान्य मनुष्य है मैं उसे अपने स्मॉल फिंगर से अपने उंगली से मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और फिर सीता माता को रावण ने कहा कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रावण स्वयं आकर तुम्हें प्रस्ताव दे रहा है तो प्लीज एक्सेप्ट मी एंड अबैंडन दैट वर्थलेस राम दिस इज द प्रपोजल ही गिव्स एंड सीता माता कुड नॉट इवन लुक एट रावण शी वाज जस्ट क्लिंचिंग अर फिस्थ ग्रेट पेन एंड शी सेट इफ यू टच में यू विल डाई एंड राम राम शीट एट क्राइंग राम एंड रावण दिस टाइम बी केम वेरी एंग्री and he

आई कैन ड्रिंक द होल ओशन मैं अग्नि को जला सकता हूँ और मृत्यु को मार सकता हूँ आई एम सो पावरफुल्ड इज आई रेड लाइक फायर तो वहां पर रावण के भाई सुंदरता का वर्णन है कि रेड रेड टू मेनली, क्लोथ्स एंड यू गोल्डन ऑर्नामेंट्स उनके कुंडल सब उनका डिस्क्रिप्शन है और जैसे कोई काला बादल बिजली से जब स्ट्राइक होता तो कैसे दिखता है वैसे रावण वॉज लुकिंग फिर देन रावण ओ सीता पर देखो मुझे देखो मैं ऐसा पति हूं जो तुम्हारे लिए योग्य है मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा लंका में और कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे तुम्हें दुख होगा एंड तुम लंका की महारानी बनोगी कम विद मी फिर सीता माता तो पीछे भाग रही थी तो रावण ने फिर जबरदस्ती पकड़ा हाउ डिड रावण कैच मदर सीता वन हैंड ई केश, और दूसरे हाथ से चैरियट he he उनका एक चैरियट रथ रेडी था उसमें वहाँ पर रखा फिर जैसे ही सीता माता को उसने रथ पे रखा और वो रथ आकाश में उड़ने लगा तो सारे जो वन के जो deities हैं जो वन में रहते हैं अलग अलग जो देवता हैं, वो सारे भागने लगे इधर उधर और सीता माता जोर जोर से चीखने लगी राम राम करके पुकारने लगी और फिर वो कहने लगी कि प्लीज मुझे आओ मुझे बचाओ यहाँ पर जस्ट सी वॉट दिस राक्षसा इज डूइंग और इस तरह से जब रावण का रथ ऊपर उठा लंका की ओर जाने के लिए उस समय किसका दर्शन हुआ सीता माता को जटायु जटायु वॉज अज वल्चर एंड ही वॉज पर्स्ट ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री एक वृक्ष विशाल वृक्ष के ऊपर वो जटायु बैठे थे तो फिर सीता माता ने जैसे जटायु को देखा जोर से चिल्लाया सीता माता ने ओ बर्ड ओ जटायु प्लीज हेल्प मी मेरी रक्षा करो पर इसे रोको मत क्योंकि सीता माता जानती थी कि जटायु बहुत बुढ़े हो गए हैं उनका उम्र उस समय सिक्सटी थाउजेंड ईयर्स था साठ हजार साल के थे जटायु बहुत बूढ़े हो गए थे आगे ना आपको किश्किदा कांड में बहुत सुंदर वर्णन आएगा संपत्ति का जो जटायु के बड़े भाई हैं उनका भी एक स्टोरी आता है बहुत सुंदर वो बाद में डिस्कस करेंगे तो जटायु सिक्सटी सेवन ईयर्स थे और रावण वॉज रिलेटिवली यंगर एंड मोर स्ट्रोंगर तो सीता माता उस परिस्थिति में भी जानती थी कि जटायु रोक नहीं पाएगा रावण को रोक नहीं पाएंगे तो सीता माता ने कहा जटायु ये बहुत शक्तिशाली है आप इन्हें नहीं रोक पाओगे जाओ शीघ्र राम को बताओ कि रावण मुझे ले जा रहा है और जटायु ने जब देखा जटायु ने तुरंत रिकग्नाइज किया रावण को जटायु को मालूम था कि यह रावण है जैसे देखा समझ गए जटायु की ये रावण है जटायु ने कहा ओ रावण मैं सारे वल्चर्स का राजा हूं सारे पक्षियों का राजा हूं और मैं तुम्हें सीता माता को नहीं ले जाने दूंगा मेरी उपस्थिति में तुम इस तरह का दुष्कर्म नहीं कर सकते और तुम तो राजा हो बहुत बड़े राजा हो राक्षसों के राजा हो क्या तुम जानते नहीं हो कि किसी की पत्नी को उनकी इच्छा के विरुद्ध इस तरह से ले जाना यह अधर्म है जब जटायु ने इस तरह से जोर से रावण से बात किया तो रावण का क्या रिएक्शन होगा कोई बता सकता है हाँ रावण ने क्या एक्सप्रेशन दिया होगा या क्या रिएक्ट किया होगा इग्नोर नो दिस वाव. रावण ने इग्नोर किया हाउ you know <laughs> बहुत रामकथा सुना रहेगा लास्ट लाइफ सो रावण इग्नोर रावण इग्नोर मतलब जटायू इज एंड इज स्पीकिंग सो मच विजडम रावण आराम से ऐसा रथ में जा रहा जैसे कोई है ही नहीं सो जटायु अगेन सो जटायु जटायु इज फ्लाइंग रावन चैरियट इज फ्लाइंग ठीक है तो जटायु देखा कि रावण इग्नोर कर रहा था तो जटायु आगे गया राइट साइड एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग एट रावण स्टॉप तो रावण अपना रथ को चैरियट की स्टार्टेड फ्लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड देन जटायु वेंट बैक एंड वेंट ऑन द लेफ्ट साइड फिर रावण राइट साइड में जाने लगा इस तरह से रावण इग्नोर कर रहा था उपेक्षा कर रहा था जटायु का और जटायु बोलते जा रहे हैं रावण को डांटते जा रहे और रावण इज फ्लाइंग स्मूथली तो फिर बेसिकली रावण डॉच कर रहे थे जटायु तो फिर जटायु ने कहा यू फूल तुम मूर्ख हो तुमने मृत्यु का पाश अपने गले पे लगाया है तुम जानते नहीं हो तुम्हारे वस्त्र में तुमने एक बहुत जहरीले सर्प को रखा है तुम मर जाओगे तो फिर ये देखा कि रावण तो सुनी नहीं रहा इग्नोर कर रहा है फिर जटायु फाइनली साइड से इतना यू नो वाज ट्राइंग टू स्टॉप हिम

और तुम जमीन पे अभी गिर जाओगे जैसे कोई पका हुआ फल पेड़ से गिरता है यू विल फॉल डाउन डेड फिर जटायु ने तुरंत रावण के रथ पर आक्रमण किया पूरा स्ट्रेंथ लगा के आक्रमण किया और जैसे ही रावण के रथ को मारा तो रावण ने अपने ट्वेंटी आर्म से जोर से जटायु को मारा जटायु पीछे जाके यू फेल बैक बट जटायु केम फॉरवर्ड एंड अगेन ही सूप्ड और वो सूप में पूरे घोड़े और जो सारथी है उनको मार डाला एक ही शॉट में एंड द होल रथ केम टम्बलिंग डाउन एंड जटायु स्क्रीम्ड जोर से चिल्लाने लगा जटायु एंड रावण रोर्ड एंड बोथ ऑफ देम इट वाज अ टूमिलस क्लैश इतना भयंकर घमासान युद्ध हुआ ऐसा लग रहा था कि दो पंख वाले पर्वत अंतरिक्ष में युद्ध कर रहे हैं इस तरह से घमासान युद्ध हुआ तो रावण ने तुरंत अपने आप को संभाला उसके रथ से उसने एक धनुष निकाला और सौ तीर चलाया जटायु पर फास्ट एकदम एंड विंग्स फिर जटायु ने रावण पर जंप किया और रावण को जो धनुष था उसको उठा के पूरा तोड़ दिया फिर रावण ने दूसरा धनुष निकाला और उसमें से हजार तीर चलाया जटायु पर और जटायु ऐसा लगा जैसे कोई घोसले में पक्षी बैठा है उस तरह से जटायु पूरा तीर से भर गया एंड पूरे बॉडी में खून तो जटायू रिमूव ऑल ऑफ दैट विद दिस स्ट्रेंथ यू ब्रश्ड इट ऑल ऑफ अ साइड एंड देन यू फ्लू रावण और और तब रावण समझ गया कि जटायु एक्चुअली पूरा स्ट्रेंथ लगा रहा है तो so, जटायु ने क्या किया सीता माता को पकड़कर रावण ने सॉरी रावण ने सीता माता को पकड़कर वो साइड में चला गया एंड रावण एंड हेल्ड रावन बाई द नेक वॉज ऑन टॉप ऑफ रावन एंड शाउटिंग सेट यू विकेट राक्षस तुम क्रूर राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करूंगा तुम कायर हो और ऐसा कहकर रावण के सर को जटायु ने अपने चोच से बहुत बड़ा घाव लगाया पूरा उसके र, आ, सर से खून आने लगा और फिर रावण ऐसा बेहोश मात्र ऐसा लगा प्राय बेहोश होके गिर रहा है और तब जटायु ने उसके केश को पकड़ा रावण के बाल को पकड़कर उसे पूरा ऐसा जमीन पर ऐसा ड्रैग किया रावण को फिर रावण वॉज कंप्लीटली शेकन एंड रावण गॉटअप बहुत बड़ा क्रोधित होकर उठा और रावण स्टार्टेड ट्विचिंग विद लॉर्ड ऑफ एंगर एंड देन विद ऑल ही स्ट्रेंथ जटायु जैसे सामने आया तो जटायु को जोर से अपने फिस से मारा एंड uh, रावण रावण के पास अधिक शक्ति था जटायु से इसीलिए वो स्ट्रेंथ uh, से जटायु फेल बैक जटायु अगेन पुट ऑल स्ट्रेंथ और इस बार जटायु ने जो किया वो बहुत ही अतुल्य था किसी ने आज तक रावण के साथ ऐसा नहीं किया था जटायु ने पूरा शक्ति लगाकर रावण के ऊपर ऑन रावण ऑन इज रावन राइट साइड right और कितना आर्म्स है राइट right साइड में ऑल द टेन आर्म्स जटायु ने पकड़कर एक साथ सबके सब को उठा पूरा खींच लिया बॉडी से हाउ मच स्ट्रेंथ मस्ट बी हैविंग दैट रावण के आर्म्स को ऐसा ऐसा के के आर्म्स को उठा फेंक दिया तो पूरा यहां हाथ ही नहीं रावण का फिर देन जटायु जटायू ऑन रावण लेफ्ट साइड एंड रिमूड ऑल हिस्स टेन आर्म्स एंड थ्रू इट अवे विद ऑल इज रिमेनिंग स्ट्रेंथ बट रावण के पास एक स्पेशल ब्लेसिंग था वो वापस आ गया सब आर्म्स रावण का बाद में लंका कांड में आता है युद्ध में भी जब राम ने रावण के सारे सर को काटा ना वो वापस एक सर आता था, था, था राम केप्ट किलिंग ब्रेकिंग द हेड एंड अगेन एंड अगेन हेड वॉज कमिंग और पूरा युद्ध भूमि में इतने सारे रावण के सर पड़े हुए थे तो वैष्णव आचार्य बहुत अच्छा उसमें उत्प्रेक्षा करते हैं कि राम चला रहे पूरा घंटों चल रहा था युद्ध राम इज ब्रेकिंग द हेड ऑफ रावण एंड कॉन्सेंटली न्यू हेड इज कमिंग तो वैष्णव आचार्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान राम को पता नहीं समझ में नहीं आया कि ये सर काटने से तो ये मरने वाला नहीं है तो वाई शूट इन हार्ट तो वो कमेंटेटर्स बोलते हैं कि जैसे वो सर गिरा तो भगवान राम वेट कर रहे थे कि अभी नया सर आ गया कम से कम इसमें उसको अक्कल वो सर में जो अक्कल रहेगा <laughs> तो राम होप कर रहे थे आशा कर रहे थे कि अभी उसको उसको अक्कल आएगा कि नहीं ऐसा मुझे गलत किया मैंने वो सरेंडर करेगा वेट कर रहे थे भगवान राम कर, अरे, कर, ये वापस अटैक कर रहे थे उस, उस so so, जटायु ने तो पूरा ताकत लगाया और पूरा ताकत लगाने के बाद भी रावण इज स्टिल रावण वॉट यू डिड ही पुट सीता ऑन ग्राउंड एंड रिमूव इज सोल्ड उनके पास उसके पास बहुत बड़ा तलवार था उस तलवार से तुरंत उसने जटायु के दोनों जो विंग्स हैं और एक बर्ड के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है विंग्स उसके उसके आधारित पर ही वो उड़ता है सब कार्य करता है बर्ड फ्लाइज़ सो उसने एक साथ इन वन सूप्रोक बोथ विंग्स एंड वॉज लाइक डेथ नेटायूज फुल बॉडी एवरी वेदर वॉज ब्लड एंड जटायु फेल एंड चू न फेल सीता रैन एंड शी एम ब्रेव जटा दैट टाइम रावन सीता Through her aside, and then he jumped on Jatayu and kicked Jatayu. Actually ये गलती रावण ने पहले भी किया किसके साथ पता है अनारण्य अरे how do you know ये आप दोनों भाई बहन कहाँ से आए? कहाारण्य <laughs> कौन है हाँ राम के पूर्वज हैं दशरथ महाराज के ancestor इक्ष्वाकु वंश में एक बार रावण उड़ रहा था आकाश में तो उसने अयोध्या में देखा अयोध्या में अनारण्य राजा रूल कर रहे हैं तो उसने अनर अनारण्य को चैलेंज किया तो बहुत बड़ा घमसान युद्ध है अयोध्या में आता है रामायण में आता है वो उसका वर्णन तो एंड में अनारण्य और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ तो रावण ने अनारण्य को जब हराया और और वो उनका मृत्यु हो रहा था उनके छाती पर तीर चलाया एंड रावण अनारण्य वॉज अबाउट टू डाई तो रावण अभी क्षत्रियो में कंडक्ट होता है जब कोई मर रहा है तो उसको ऑनर करते हैं तो वीरगति को प्राप्त हुआ है क्षत्रिय को युद्धभूमि में मरना मतलब इट इज़ ओके बट रावण सो वो सोटिस अनकूथ अनकल्चर असभ्य व्यक्ति था वो तो रावण लात मारने लगा और थूकने लगा तो अनरण्य को तब बहुत दुख हुआ उसने कहा मैं तो अपने भाग्य की वजह से मर रहा हूं क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा गर्व है कि युद्ध भूमि में वो मर रहा है तो मुझे इतना दुख नहीं है पर तुम जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो तुम यू डोंट डिजर्व रेस्पेक्ट तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे ही वंश में मेरे कुल में एक एक बहुत बड़े योद्धा आएंगे जो तुम्हारा वध करेंगे तो दैट्स हाउ दैट कर्स आल्सो केम टू अफेक्ट एंड राम किल राम सो एनीवे वी took a little detour तो रावण वाज किकिंग जटायु जटायु को लात मारने लगा एंड देन जटायु वाज अबाउट टू डाई एंड सीता दैट टाइम वाज स्ट्रोकिंग जटायु एंड शी वाज क्राइंग शी सेड ओ राम देखो ये ब्रेव साहसी जटायु ने मेरी रक्षा करने के लिए अपने प्राण को त्याग रहा है बट रावण इमिडिएटली ग्रैप्ड सीता डिंट अलावर टू बी देर फॉर लॉन्गर टाइम और सीता ने वापस अपने आप को रावण से छुड़ा कर वो सीधा भाग गई वहां पे एक वृक्ष था बड़ा उस पेड़ को आलिंगन कर लिया सीता ने और उस पेड़ को आलिंगन करके सीता माता जोर जोर से बोलने लगी ए वृक्ष मुझे मत छोड़ो मुझे पकड़ के रखो शी वॉज प्रेइंग टू द ट्री टू होल्ड हर बिकॉज शी एंड डिट वेंट टू हर ग्रैफर एंड ई पुटर ईल्डर टाइटली नाउ चैरिट वॉज नॉट देयर सो वॉट यू डिड ई फ्लू ई कूड फ्लाई विदाउट विंग्स यू एट दिस मिस्टिकल पावर तो वो आकाश में उड़ने लगा और जटायु बहुत बूढ़ा था ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड एंड एव सीता माता वॉज फ्लाइंग गार्लेंड फेल और पर्ल नेकलेस फैल उनके पास एक सोने का आमलेट था वो भी गिर गया और रावण वृक्ष अपना यू ऑज फ्लाइंग अबव द पंचवटी ऑल द फॉरेस्ट तो वहाँ पर बहुत डिटेल में वर्णन आता है उस समय पंचवटी में जो सिचुएशन था वो फॉरेस्ट का उसका वर्णन बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू नो दैट दिस इज अ वेरी पॉइग्नेंट सेक्शन ऑफ रामायण क्योंकि सारे वहाँ पे वर्णन आता है कि सारे जो पंचवटी में सारे जो कमल के पुष्प थे तालाब में सब मुरझा गए उसी क्षण और सारे पशु पक्षी सब भयभीत हो गए रावण के इस कार्य से और सब रोने लगे दुख में पर सबसे अधिक पीड़ा किसको हुई मछलियों को क्योंकि मछलियों का जो है उनके तो आंसू भी नहीं दिखते दे आर क्राइंग द मोस्ट लायंस टाइगर्स बर्ड्स एंड देयर आउट ऑफ फीयर माउंटेन्स क्राइड माउंटेन्स में जो स्ट्रीम्स हैं जो वाटर फॉल्स हैं वो भी सब रोने लगे इस तरह से बहुत डिटेल में वर्णन आता है एंड और जिस तरह जब रावण सीता माता को ले जा रहा था तो सीता माता नॉन स्टॉप को डांट रही थी रावण को कि तुमने एक बूढ़े जटायु को मारा तुम राम के डर से भाग रहे हो तुम कायर हो और तब सीता माता ने देखा ऊपर एक पर्वत के ऊपर कुछ वानर बैठे हैं, और तुरंत सीता माता ने अपने कुछ ब्रेसलेट्स नुपुर और कुंडल उसको एक छोटे से क्लॉथ्स में डाल के उसको एक ऐसा बंडल बना के शित्रु इट डाउन होपिंग दैट ये वानरों को मिलेगा आगे जाकर शायद राम मुझे ढूंढते हुए आएंगे एंड मे बी एबल टू गाइड राम इस तरह से शी थ्रोज इड डाउन एंड देन शी स्टार्ट स्विमिंग और इस समय जो इमोशंस डिस्क्राइब किया है सारे देवताओं का वो दुखी भी थे और उनको एक अच्छा भी लगा उनको दुखी थे क्योंकि ये बहुत पॉइग्नेंट सीन था पर उनको अच्छा लगा क्योंकि उनका एक एजेंडा था दे वॉन्टेड रावणा टू बी किल्ड देस एड नाउ दिस विल हैपन और ये जो है ना सिचुएशन अभी क्या है सीता माता इज़ फीलिंग इंटेंस सेपरेशन विप्रलम्ब का अभी शुरू हुआ है विप्रलम्ब का जो इमोशन है रामायण में अब शुरू होता है विप्रलम्ब जो रस है वो हमारे गौड़ी वैष्णव में हम जो इसको हमने फॉलो करते हैं विप्रलम्ब का भाव मतलब भगवान से हम लोग सेपरेशन में और भगवान को हम पाना चाहते हैं यू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट देखो बाकी संप्रदाय में बहुत जगह पे लोग क्या बोलते हैं कि हम भगवान से प्यार करते हैं भगवान हमारे हैं उसको सहजिया बोलते हैं शिला प्रभुपात हमारा मूड क्या है भगवान हमारे थे हमारे पास थे पर भगवान अब नहीं है एंड वी वॉन्ट कृष्णा। हम कृष्ण को पाना चाहते हैं तो वो सेपरेशन को विप्रलंब कहा गया है एक्चुअली रामायण शुरू होता है इस करुणा करुणा रस है पूरा रामायण का जो रस है ना वो करुणा वाला है ये कंपैशन ये पेन ये जो सेपरेशन विरह का जो फीलिंग है ना ये पूरे रामायण शुरू ऐसा होता है एक्चुअली पूरा रामायण का रस ही है दशरथ महाराज को फीलिंग हो रहा है भरत शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा सब जो भक्त लोग हैं रामायण में वो करुणा रस ही अनुभव कर रहे हैं पेन सेपरेशन ही अनुभव कर रहे हैं तो शुरू में ही जब नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को कहा पूरा संपूर्ण रामायण मैंने फर्स्ट डे बताया ना सौ श्लोकों में पूरा सुना दिया आप बालकांड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ो हंड्रेड श्लोक है पूरा रामायण चौबीस हजार श्लोक को हंड्रेड श्लोक में सब कंप्रेस करके फाइल में पूरा सब कुछ है उसमें वो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में फिर वाल्मीकि मुनि जाते हैं तमसा नदी पर स्नान करने के लिए अपने भरद्वाज ऋषि के साथ अपने तो वहां पर वो देखते हैं दो क्रौंच पक्षी एक दूसरे का संग कर रहे हैं क्रौंच पक्षी पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे का संग कर रहे हैं और वाल्मीकि मुनि हालांकि वो ऋषि हैं वो देखकर अपने शिष्य को कहते हैं देखो पशुओं में पक्षियों में भी कितना श्रृंगार रस है कितना प्यार का रस है वो देख कर वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और उस समय एक क्रूर शिकारी वो तीर चलाता है और वो जो पुरुष क्रौच है उसको मार गिराता है तो जो स्त्री क्रौच पक्षी है वो जोर जोर से चिल्लाती है दर्द में क्योंकि क्रांच पक्षियों में एक प्रथा है जो उस समय से अभी भी है कि वो जो फीमेल क्रॉंच है जब उसके पुरुष उसके साथी को कोई अगर वो मर जाता है तो वो दूसरे पुरुष पक्षी का वो संग नहीं करती हो मतलब लाइफ लॉन्ग शी विल नॉट हैव अ कंपेनियन ये क्रॉंच पक्षियों में ऐसा एक नेचर है तो वाल्मीकि ने कहा रही तो इसके साथी को गिरा दिया ये कितना क्रूर शिकारी है और वाल्मीकि मुनि जो एकदम ऋषि हैं जो सॉफ्ट हार्टेड हैं साधु हैं उनके मुंह से एक श्राप निकल जाता है मानिषाद प्रतिष्ठामा प्रतिष्ठा मा शाश्वती समा एत क्रौंच मितुना देखा तमवदी काम मोहिता तुमने काम में मोहित होकर देखा दोनों पक्षियों को क्रौंच पक्षियों को निषाद ये शिकारी क्रूर आ, शिकारी मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम शाश्वत समय तक कभी सुख को अनुभव नहीं करोगे हित क्रौंच मितुना देखा तो तो बाद में वो श्राप देने के बाद सोचता अरे मैंने कैसे श्राप दे दिया इस शिकारी को मैं तो कभी श्राप नहीं देता हूँ किसी को बाद में जब वो अपने कुटीर में आते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं वाल्मीकि मुनि मैंने इस तरह का अरेंजमेंट किया कि आपके मुँह से इतना अच्छा श्लोक निकला क्योंकि ये जो श्लोक आपने बोला वो अनुष्टुप चंद में परफेक्ट मीटर में आप इसी मीटर में संपूर्ण रामायण आप कंपोज करो और रामायण का भी यही मूड रहेगा जैसे वो क्रौंच पक्षी रो रही है अपने पति के साथी के विरह में उसी प्रकार रामायण में सब भगवान राम को याद करके रोते रहेंगे <laughs> तो वो विरह का रस उसमें है सेपरेशन का और वो सीता माता का अब यहां पर शुरू हो रहा है तो हमारे बिलोमंगल ठाकुर क्या करते हैं वो कृष्ण से विरह अनुभव करते हैं और सीता माता आप किससे अनु विरह अनुभव कर रही है श्री राम से है ना तो वो क्या कर रहे हैं अपने श्री कृष्ण से बिलोमंगल ठाकुर विरह अनुभव कर रहे हैं और श्री कृष्ण को याद करते करते वो सीता माता को याद करते हैं कि कैसे सीता माता भी भगवान राम से विरह अनुभव कर रही है और उस विरह के मूड में वो <coughs> बहुत सुंदर रचना करते हैं बिलमंगल ठाकुर आप पीछे पेरे पीछे दोहराएंगे श्लोक एकाकिनी दंडक का न

एकाकिनी दंडक का नानता सीता माता सडनली वो अकेली हो गई एकाकिनी हो गई अभी तक वो हमेशा राम के साथ थी नाउ हैज़ बिकम अलोन लोनली लोनली दंडकार्य में सीता माता अकेली हो गई एकाकिनी दंडक का नानता सानियमाना दशकंद रे रावण दस सर वाला रावण उसने सीता माता का अपहरण कर लिया उस समय सीता माता का क्या फीलिंग्स था उनकी भावनाएं क्या थीं सीता तदाक्रोशद अन्य नाथा वो जोर जोर से रोने लगी अपने अनन्य नाथ को पुकारने लगी और मैं भी उसी मूड में अपने नाथ को पुकार रहा हूँ ऐसा करके बिलमंगल ठाकुर गा रहे हैं गोविंद दामो दरमा द गोविंद दामो दरमा गोविंद दामोदर धरमा दी गोविंद दाम धरमा गोविंद फिर वो आगे सीता माता के इमोशंस को और डिस्क्राइब करते हैं रामादियुक्ता जनकात्मजासा जा रामा सादियुक्ता जनक विचिन्तयन्ती हृदिरामरूपम् रुरोदसीता रघुनाथ पाहि गोविन्द दामोदर माधवेति राम के विरह में रामादिता जनकात्म जासा, शी स्टार्टेड चिंतन राम। राम रूपम, अपने हृदय में राम के रूप को लेकर शी इंटेंसली प्रेइंग और सीता माता क्या कर रही थी रुरोद रुरोद मतलब जोर जोर से रोना रुरोद सीता रघुनाथ पाही ये रघुनाथ मेरी रक्षा करो और उसी मूड में बल मंगल ठाकुर क्या गाते हैं गोविन्द ददा मो दर मादवेति गोविन्द ददा मो दर मादवेति गोविन्द ददा मो गोविन्द ददा मो और फाइनल श्लोक में बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि इस तरह से सीता माता जब रो रही थी तो उस समय वहां पे क्या वातावरण क्या था क्या वातावरण निर्मित हुआ प्रसिद विष्णु रघुवंश नाथ सुरा सुरा नाम सुख दुख है तो समुद्र मध्य गोविंद दामो दर तो यहाँ पर बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं प्रसिद विष्णु रघुवंशनाथ तो ये एक्चुअली रघुनाथ जो हैं वास्तव में विष्णु हैं उनकी योजना है पर इसमें भगवान देखिए सुख दुख है तो सारे सब लोगों के सुख और दुख का निवारण करते हैं पर यहाँ पर सीता माता स्वयं इतनी दुखी है रुरोद सीता समुद्र मधु विशाल सागर के थ्रू रावण उन्हें ले जा रहा है और उस समय सीता माता जोर जोर से रो रही हैं गोविंद दामो दरमा द गोविंद दामो दरमा गोविंद दामोदर दर माद वेती गोविंद दामो दर गोविंद तो अभी हम क्या करेंगे ये पास्ट टाइम जो है आगे अभी रावण सीतामा तो कहाँ ले जाता है लंका तो वहाँ पे हम जाएंगे पर थोड़ा हम अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वापस आएंगे कुछ देर बाद राम आते हैं लक्ष्मण को मिलते हैं वो सब पास्ट टाइम बाद में डिस्कस करेंगे पर राम लक्ष्मण जब ढूंढते हुए जाते हैं सीता माता को तो फाइनली उनको जटायु दिखते हैं क्योंकि अभी हमने जटायु का डिस्कस किया तो वो कंप्लीट करना चाहिए जटायु का पास्ट टाइम क्योंकि जब जटायु को राम लक्ष्मण देखते हैं क्योंकि जटायु ने क्या किया केवल रावण के साथ देखो उनका उनको, उनको इंस्ट्रक्शन क्या मिला था रावण को रोको मत जाके सिर्फ राम को बताना था पर उन्होंने रावण को आगे जाने नहीं दिया और उतना ही नहीं जब रावण ने उन्हें मारा जोर से और अभी जटायु प्राण त्यागने वाले थे जटायु ने अपने प्राण को बचा के रखा मतलब इतना पेन था पर उन्होंने क्यों बचा के रखा फॉर दैट कुड बी अलाइव जीवित रहने के लिए ताकि वो राम को बोल सके पूरा खून का पूरा ऐसा पुल था उधर और उसमें जटायु वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ वो श्वास के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय राम लक्ष्मण वहां पर आए राम ने देखा तो राम को ऑलरेडी ये पास्ट टाइम हम आगे सुनेंगे कैसे राम इज थिंकिंग दैट सम राक्षस हैज माय वाइफ तो वो उनका वो एक थिंकिंग है कि राक्षस किसी राक्षस ने मेरी पत्नी को खा लिया है तो जब जटायु को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये राक्षस इसी ने मेरी पत्नी को खा लिया तो पूरा धनुष चढ़ाते हैं पूरा उसके ऊपर शूट करने वाले होते हैं तो जटायु पूरे स्ट्रेंथ के साथ राम को देखकर जटायु बहुत सुंदर बात बताते हैं ये बहुत सुंदर श्लोक है बेस्ट वर्सेस इन द रामायण अभी राम सामने उनको मारने वाले हैं ठीक है देखिए राम के लिए उसने फाइट किया और राम ही जटायु को मारने वाले और जटायु ने राम को देखा तो उसने क्या कहा ये आप रिपीट कीजिए बहुत सुंदर श्लोक है यम औदी आयुष्मान नवेश्वं महावने स देवी मम चा प्राणाम रावणोपी भयम अथम स देवी ममचा प्राणा सीता माता जो है मेरी भी प्राण है शी इज माई मदर एंड शी इज माई लाइफ एंड सोल आई एम प्रोटेक्टिंग हर और वो औषधि है आप पहला वर्ड इज है औषधिनी वो मा, सीता माता को औषधि करके बुलाते हैं आपके लिए औषधि है सीता माता क्योंकि ईज थिंकिंग जटायु ये सोच रहे हैं कि सीता के विरह में कहीं राम अपने प्राण को न त्याग दें तो उनको आश्वासन दिलाते हैं कि सीता माता आपके लिए औषधि है आयुष्मान पहले उनको आयुष्मान करके वरदान दे देते हैं योर मे यू लिव लॉन्ग एंड सीता माता इज औषधि एंड सेस रावणा इज ऑलमोस्ट किल्ड नाउ बिकॉज ही हैज टच योर वाइफ सो बेसिकली इंटरेस्टिंग है रा, राम ना एक बार हनुमान को आगे किश्किंदा कांड में आता है तो वो हनुमान को बोलते हैं राम की मैं एक महीना और भी जीवित नहीं रह सकता सीता के विरह में और उसके बाद वो और नौ महीना जीवित थे मतलब थे जब तक सीता मिली नहीं सो फर्स्ट ही टोल्ड हनुमान दट में एक महीने के अंदर मर जाऊंगा अगर सीता नहीं मिली तो और उसके बाद दस नौ महीना दस और थे ही वॉज देर एंड देन सीता वॉज गॉड तो हमारे वैष्णव आचार्य देखिए क्या परपोर्ट देते हैं मतलब कितना अमेजिंग वो बोलते हैं कि वो कैसे हुआ पॉसिबल क्योंकि जटायु ने आशीर्वाद दिया था <laughs> आयुष्मान वो जटायु के आशीर्वाद से लॉर्ड राम कुड बिकॉज ही है टोल्ड दैट एम औषधि नी शी इज औषधि फॉर यू शी विल शी द रेमेडी फॉर योर डिस्ट्रेस सो वेरी वेरी तो मुझे परपोट अच्छा लगा तो मैंने बच्चा शेयर करता हूँ देन <coughs> so, राम क्या करते हैं जटायु को पूछते हैं कि कहाँ है मेरी सीता अंडरस्टैंड इट इज जटायू लक्ष्मण टेल्स राम थ्रोज इज बो ई रन टूअर्ड जटायू एम्बरेज जटायू जटा को पूछते हैं कि सीता को कहाँ लेगा अभी वो जटायु एक्सप्लेन करते हैं कि रावण सीता माता को ले गया है अभी ये जो है ना अभी आप बोलोगे ठीक है लंका भी तो रावण राम को डायरेक्टली गॉन टू लंका ऐसा नहीं इतना ईजी नहीं होता रामायण में वर्णन आता है कि राक्षस लोग जो है अपने शहरों को अपने निवास स्थान को जादुई शक्ति से वो ओझल करते थे मैनिफेस्ट करते थे तो इट वॉज नॉट ऐसा नहीं कि वो आराम से ऐसा मैप है हमारे पास गूगल मैप जी पी एस पहुंच में पहुं जाएंगे ऐसा नहीं था वो दे कुड हाइड देयर अबोर्ड ऑल्सो इसलिए जटायु कुड नॉट सेफ फॉर श्योर दैट जट रावण सीता माता को लंका ले गया पर वो इतना बोल सकते थे कि रावण ले गया इस तरह से उन्होंने जटायु ने बताया कि आ, फिर राम को बड़े प्यार से देखने लगे और जटायु ने बहुत बड़ा एक पराक्रम कार्य किया था कि उन्होंने अपने प्राण को बचा के रखा था और एक रीज़न था उन्होंने जब फाइट किया ना रावण के साथ वो एक मुहूर्त था उनको देखिए उस समय जटायु को भी एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान था तो एक विंध्या कोई मुहूर्त आता है तो वो मुहूर्त था कि वो मुहूर्त में अगर कोई अपना बहुत बहुमूल्य चीज को खो देता है तो वो खो देता है उसको वापस नहीं मिलता पर उसके बाद एक मुहूर्त आता है अगर वो मुहूर्त तक आपने उसको चोरी होने से उस ट्रेजर को आपने रोक के रखा और उसके बाद अगले मुहूर्त में अगर वो चोरी हुआ या गायब हो गया आपके थ्रू तो वापस मिल जाएगा तो उन्होंने क्या किया अगले मुहूर्त को आने तक उन्होंने अपने प्राण को बचा के रखा नहीं रावण के साथ युद्ध किया और अगला जब मूर्त आया तब उन्होंने जटायु ने क्या किया राम को बड़े प्यार के नजरों से देखते रहे राम को और राम का दर्शन करते हुए जटायु ने अपने प्राण को त्याग एंड राम स्टार्ट क्राइंग दैट दिस इज अ बर्ड वल्चर और इतना बड़ा बलिदान ये मेरे लिए उतना ही पूजनीय है जटायु जितने मेरे पिताश्री दशरथ महाराज और ऐसा कहकर उन्होंने राम ने घोषणा किया कि आज मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र को खोया है मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने खोया है और भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया जो उन्होंने अपने पिताजी दशरथ महाराज के लिए भी नहीं किया था और जटायु को केवल बस आ, बोलना था भगवान राम को कि रावण ले गया देखिए लो क्लास सर्वेंट होता है जो उसको सेवा दिया जाता है वो नहीं करता कुछ लोग होते हैं जो सेवा दिया जाता है उतना ही करते हैं है ना और कुछ लोग हैं जो सेवा दिया उसके एक्स्ट्रा करते हैं फर्स्ट क्लास सर्विस दे अंडरस्टैंड व्हाट द मास्टर तो ये पंचम पुरुषार्थ है जो जटायु ने एग्जिबिट किया ना प्योर डिवोशनल सर्विस बोलते हैं इसे

और शिला शिलाप्रभपात भी अगस्त में 1977 मतलब अक्टूबर में शिला में शिला नवंबर में में ने शरीर छोड़ा अगस्त इतने कमजोर हैं वृंदावन में वो बेड पे लेटे हैं इतने वीक हैं और वृंदावन में सबको लगा अभी शिलाप्रपात वृंदावन में है अभी बस अपना प्राण छोड़ देंगे कृष्ण का नाम लेकर और शिला प्रभाव बोलते हैं चलो जन्माष्टमी मनाने के लिए लंदन जाएंगे <laughs> वो बेड पे लेटे बोलते लंदन में जाके जन्माष्टमी वहां पे डेवोटिस को एंकरेजमेंट मिलेगा उनको प्रोत्साहन और डेवोटिस ने कहा प्रोपात आपकी तो हालत ही नहीं है ऐसे जाने का प्रपाद ने कहा बेटर टू डाई ऑन द बैटल फील्ड मतलब वो वृंदावन में अभी सबको वृंदावन में जाके अपना शरीर छोड़ना है शिला प्रुपात को भी वृंदावन में अपना शरीर छोड़ना था बट उस समय उनका मूड देखिए कि आई वॉन्ट टू गो एंड डाई ऑन द बैटल फील्ड फॉर कृष्णा मैं प्रचार करते करते अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ तो वो लंडन गए वहां से फिर अमेरिका जाने का पूरा प्लान था क्योंकि उन्होंने क्या बोला लंडन में जब उनका हेल्थ और ख़राब हुआ ना लंडन में वो रथ यात्रा के लिए गए जन्माष्टमी उधर मनाया नाइनटीन सच लास्ट डेज तो डेविडस को लगा प्रपात बोलेंगे चलो अभी वापस इंडिया चलो प्रभात बोल रहे हैं अभी अमेरिका जाएंगे तो डेविडिस ने कहा प्रोपात आपका तो कंडीशन ही नहीं है आंशी प्रभा का आंसर क्या था पता है अमेरिका के डेवोटिस ने मुझे इतना हेल्प किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था प्रचार करने के लिए कृष्णा भावनाम स्प्रेड करने के लिए अमेरिका के डेबोटीज ने मुझे इतना हेल्प किया तो मुझे अपना ग्रैटिट्यूड मुझे कृतज्ञता व्यक्त करना है तो उनको मुझे देखना है मतलब दिस इज शिला मूड अपने डेवोटिस के लिए वो कर रहे थे सब आगे 1975 में भी एक बहुत जबरदस्त पास टाइम है शिला प्रभुपाद का 74 में जन्माष्टमी 1974 जन्माष्टमी में, में कृष्णा बलराम मंदिर वृंदावन का इनागरेट होने वाला था तो वृंदावन मंदिर के उद्घाटन के लिए वो लोग ने पूरा पैम्फलेट बनाया सब बना दिया और एडवर्टाइज कर दिया तो शीला प्रपात को भी अमेरिका में मिला कि चलो अभी जन्माष्टमी में मंदिर खुलने वाला है कृष्णा बलराम मंदिर वृंदावन में तो जब वो आए देखा कुछ भी रेडी नहीं है वो डिवोटीज ना कभी कभी उत्साह में वो बड़ा बड़ा प्रॉमिस कर देते हैं ऐसा होता है ना वो कल्पना में कि हाँ सब हो जाएगा हो जाएगा तो प्रपात ने क्या देखा अरे तो कुछ भी नहीं है ये तो खंबा भी बना नहीं है दीवार में पूरा सीमेंट है कुछ भी रेडी नहीं है शीला प्रपात ने बबल को बर्स्ट कर दिया बोला तो कुछ भी नहीं है भगवान है तुम लोग कुछ नहीं किया मंदिर नहीं खुलेगा तो डिवोटी शॉक क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बड़ा बड़े 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 लोगों को इन्विटेशन चला गया था प्रपात ने सब कैंसिल कराया क्योंकि ऐसे मंदिर नहीं खोल सकते हम प्रपात सबको डांटने लगे कि आप क्योंकि प्रपात का सेवा था वो कृष्ण बलराम के लिए फिर डेवोटिस ने बोला कब करे कब हो जाएगा कब तक हो जाएगा शिव फिर वो लोग ने डेवोटीज़ ने कहा प्लानिंग किया 1975 सेवेंटी फाइव रामनवमी मतलब अप्रिल या नाइनटीन सेवेंटी अगस्त की बात कर रहे हैं तो अगले साल अप्रैल तक हो जाएगा करके डेवोटिस ने पूरा प्लान बताया और क्यों नहीं हो रहा था मंदिर क्योंकि सीमेंट नहीं मिल रहा था उनको तभी नाइनटीन में वो इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था उस समय सीमेंट का बहुत राशन था और सीमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट नहीं मिलता था तो बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ही होता था तो डिबूटिस बोलने लगे प्रोपा सीमेंट नहीं मिल रहा है सीमेंट की वजह से अटका हुआ है काम तो उस समय शिला प्रपात बड़े क्रोधित थे क्योंकि वो सेवा का पूरा गड़बड़ हो गया ना और उस समय शिला प्रभुपात बीमार पड़ गए उनको मलेरिया हुआ और अगस्त में वृंदावन में भयंकर गर्मी रहती है जो गए हैं जिनको एक्सपीरियंस है और वो गर्मी में शिला प्रभुपात दो हफ्ते से कुछ खाए नहीं और तीन चार दिन में एक बार ऑरेंज का दो पीस वो लेते थे बस ऐसा बस दैट्स ऑल यू टू डू टेक एंड यू डेट से मेरे गुरु महाराज ने ऐसे ही प्राण को त्याग दिया ऐसे बोलने लगे मेरे पिताजी की भी मृत्यु ऐसी हुई ऐसा करके सब भक्तों को और डरने लगे कि प्रभुपाद भी छोड़ने वाले फिर प्रभुपाद ने कहा तुम लोग सब नालायक हो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो इसीलिए मैं मर रहा हूँ ऐसा करके डांट भी दिया उनको तो फिर उस समय शिला प्रपात इतने कमजोर हो गए डिलीरियस यू नो यू कूडेंट इवन गेटअप फ्रॉम द बेड बेड पे लेटे रहते और तब उत्तर प्रदेश के गवर्नर उस समय नाम भूल रहा हूं उनका अकबर अली खान अकबर अली खान यूपी के गवर्नर थे तो वो आए थे शेठ बिशनचंद चंद के पास और शेठ बिशनचंद चंद प्रभुपात के फ्रेंड थे उनके घर पे मिलने के लिए आए थे तो डेवोट ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि गवर्नर हमारे मंदिर के प्रोजेक्ट के एरिया में आएगा तो देखेगा फिर वो समझेगा फिर हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते कि आप थोड़ा सीमेंट का वो करो तो डेवटिस ने अरेंज किया गवर्नर का प्रोग्राम वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में तो शिला प्रोपा को मालूम पड़ा प्रपात लेटे हैं प्रोपाद ने कहा मैं मिलता हूं गवर्नर को मुझे उठाओ डेवटीज ने कहा प्रोपाद आप, आप आराम करो आप आराम करो हम लोग संभाल लेंगे पूरा संभाल लेंगे प्रोग्राम प्रभात ने कहा नहीं nah, मुझे मिलना है तो जब गवर्नर का प्रोग्राम रखा अभी आपको मालूम है गवर्नर आता है तो क्या प्रोटोकॉल रहता है तो पूरा ये डिवोटीज ने बड़ा एक पंडाल प्रोग्राम वृंदावन में टेम्पल एरिया में टेंट लगा के रेड कारपेट वेलकम ऐसा बड़ा बनाया गवर्नर का पूरा टीम आया और यहां पर शीला प्रभुपात जिद कर रहे हैं कि मैं खुद गवर्नर से मिलूंगा हालांकि दो हफ्ते से प्रभुपात बेड से नहीं उठे क्योंकि ये सेवा है कृष्ण का सीमेंट चाहिए मंदिर बनाना है तो ऐसे उठ रहे हैं तिलक भी नहीं लगा पाए दो भी डेव्यूटीज ने लगाया प्रभुपात को तिलक भी डेव्यूटीज ने लगाया प्रभुपात ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे हैं और वो कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं बस और स्टेज बनाया हुआ है वहां एक जैसे गाड़ी रुका गवर्नर का पुलिस का सब जैसे गवर्नर गाड़ी से बाहर उतरे उसी समय प्रभुपात कुर्सी से उठे जैसे एकदम नॉर्मल है और सारे डिबोटीज देखकर शॉक हो गए मतलब ये क्या दिख रहा है कि प्रभुपात पूरा डिटर्मिनेशन के साथ ये अकबर अली खान को मिलने के लिए पूरा ऐसा खड़े हो गए जैसे स्माइल कर रहे हैं फिर वो अकबर अली खान को लेके आए डिवोटीज और डिवोटीज ने फ्लावर्स फेंका गवर्नर को वेलकम किया जैसे स्टेज पे आए अकबर अली खान शीला शिला ने उनके साथ ऐसा शेक हैंड किया जैसे वो एकदम उनका स्वास्थ्य अच्छा है शेक हैंड करके दोनों स्माइल कर रहे हैं फ्लो फोटो खींच रहे फिर वो बैठ गए कुर्सी पर प्रोभ ऐसे बैठ गए और सारे डिवोटीज को पता है कि बहुत बड़ा प्रिटेंस है प्रिटेंस मतलब ये रियल नहीं है और डेविड को मालूम था प्रभुपात का हेल्थ कैसा है तो फिर अकबर अली खान खड़े हो गए उनको उन्होंने लेक्चर दिया पंद्रह मिनट इं, इंडिया का फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा सब इंडस्ट्री बनाना चाहिए ऐसा करके वो जो टिपिकल इंडिया का ऊपर लेक्चर दिया प्रभुपात बैठे सुन रहे हैं फिर उसका वो बैठ गया गवर्नर के लेक्चर के बाद प्रभुपात खड़े होकर प्रभुपात ने भाषण दिया फॉर हाफ एन आवर ई स्पोक कृष्णा कॉन्शियस हाँ डेवड इस कोई लेक्चर नहीं सुन रहे प्रपात को देख रहे हैं कि हाउ कैन प्रोपात डू दिस और हो गया क्लास हो गया लेक्चर हो गया अभी गवर्नर को भी लग रहा है कि नॉर्मल है स्वामी जी हैं इनका एरिया है लैंड है सब मिल रहे हैं स्माइल कर रहे हैं उसके बाद वो पंडाल के पीछे बड़ा बड़ा डाइनिंग टेबल लगा था तो डाइनिंग था बड़ा छप्पन बुक फाइव स्टार डाइनिंग अरेंजमेंट डिनर अरेंजमेंट क्या था गवर्नर के लिए तो प्रभपात गवर्नर को लेके वो डाइनिंग एरिया में गए और स्माइल कर रहे हैं बात कर रहे हैं और सबको तब शौक हुआ जब प्रभुपात गवर्नर के साथ बैठ गए अब जो इतना बीमार रहता है प्रभुपाद को एक ऑरेंज का पीस भी नहीं खा पा रहे थे इतने दिनों से गवर्नर को खुश करने के लिए उनको संग देने के लिए उनके साथ बैठकर पूरा प्रसाद खाया जैसे वो एकदम नॉर्मल है और स्माइल कर रहे हैं बात कर रहे हैं बात किया सब हो गया एंड रिमेंबर दिस इज सेवेंटी नाइन ईयर ओल्ड मैन ऐसा नहीं कि वो बीस साल का लड़का है जो पूरा जोश के साथ जवानी का जोश कुछ होश नहीं सब जो होश जोश रहता है और वो जोश में पूरा पैशनेटली करते हैं बाद में फिर चालीस के बाद बेड पे लेटे रहते हैं ऐसे लोग ऐसा एक होता है ना भावुक लोग नहीं है भावुक वाला भावुकता का ये जोश नहीं है ये ये कृष्ण से प्यार वाला जोश है और वो सब प्रसाद खाने के बाद फिर स्माइल करके गवर्नर को गाड़ी तक ले जा रहे हैं और गवर्नर गाड़ी में बैठे और जैसे ही गवर्नर का गाड़ी निकला शिला प्रभुपत स्वाम ऑफ एंड शिला प्रभुपत कोलेप्स डिग्री टेम्परेचर एट दैट मोमेंट एंड ऑल दिस लाइक इन द मूड ऑफ जटाइव फाइटिंग ऐसे शिला कितने पास टाइम्स है ंग टू न्यूयॉर्क वहाँ पे स्नाइपर था स्नाइपर मतलब यू नो वट इज ऐसा बंदूक लेके बैठा रहता है जैसे हम लोग बिंदा सेल्फी खींचते ना वो बिंदा फायरिंग करते हैं उनको लोग रहते हैं उनको ऐसा किसी को भी देखते तो गोली चलाते रहते हैं तो ऐसे न्यूयॉर्क में स्नाइपर बैठे रहते थे वॉक इन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क यी वॉज प्रीचिंग इन द मोस्ट डेंजरस प्लेस सो दरी वेरी पावरफुल पास टाइम कि देखिए आपने कल डिस्कस किया मारीच का स्टोरी राइट मारिच का क्या था वो सिचुएशन मारिच ने रावण को क्या बोला जब मारिच ने जब रावण ने बोला कि मैं तुम्हें तो मार दूंगा अभी तो मारिच ने क्या बोला रावण को बेटर टू डाई इन हैंड ऑफ राम देन यू तो मारिच अंकल लगता वाह मारिच कितना अच्छा है राम के हाथों से मरने के लिए तैयार हो गया नहीं पर मारिच ने क्या किया राम को सीता से अलग किया जटायु तो रावण के हाथों मारा, पर उसने प्रयास किया सीता माता को राम से मिलाने का सो मारीच इज नॉट अ हीरो मारीच विलेन ही है सेलेक्ट दैट एंड जटायुस एफर्ट हैज नॉट गॉन इन वेन, बिकॉज़ भगवत गीता 2.40 क्या श्लोक है नेया विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है उसके लाइफ में कोई लॉस नहीं है आप जहां पर आपकी भक्ति खत्म करते हो वहां से आपका गाड़ी आगे चलता है नेक्स्ट लाइफ में दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल ब्यूटिफुल पास टाइम विच वी शुड रिमेंबर हाउ जटायू देम तभी हम वापस रिवाइंड करके आते हैं Uh, सीता माता को रावण कहाँ ले गए सी दिस पास्ट टाइम ऑफ जटायु ना इज़ वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली बिकॉज कभी कभी डिवोटीज भी सेवा करते हैं सी वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू साधना पर फिर भी क्या होता है ना मैं जानता हूँ एक मतलब मैं अभी पच्चीस साल से आश्रम में रह कर मैंने काफ़ी कुछ देखा है इसको मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ बहुत सिंसियर हैं पर वो माला नहीं कर पाते ज़्यादा मैं अभी लंडन में भी जाता हूँ अमेरिका में भी जाता हूँ उनका दिल इतना अच्छा है वो सेवा बहुत करते हैं वो लोग फेस्टिवल पूरा सेवा करेंगे माला वो चार माला छः माला ज़्यादा कर नहीं पाते तो पर उनका दिल इतना बड़ा है ना तो कभी कभी क्या होता है डेवोटीज उनको डांट देते हैं ऐसा कुछ बोल देते हैं तो फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं हतोत्साहित तो हो जाते हैं तो मैं जब जाता हूँ ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं इन सबको एंकरेज ही करता रहता हूँ कम से कम सेवा में तो उनको लगाव है प्यार है तो मुझे ना एक डिवोटी बहुत याद आते हैं जो जटायु जटायु का जब मैं स्टोरी सुनता हूँ मुझे इस्कॉन के एक बहुत बड़े महारथी डिवोटी का पास्ट टाइम याद आता है मैं वो थोड़ा बोलता हूँ थोड़ा रामायण से डिटूर ले रहे हैं पर इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति से भी प्रेरणा ले सकते हैं इनका नाम है जयानंद दास आप जानते हैं जयानंद प्रभु का नाम सुना है वो जो रथ यात्रा इसकॉन को जो भी रथ यात्रा होता है वो रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ जयानंद प्रो का भी फोटो होता है वो रथ यात्रा में रथ यात्रा का सारा वो रथ वो बनाते थे बहुत बड़े इंजीनियर थे पर उन्होंने सारा जो पैसा था नौकरी करके आते थे सारा पैसा प्रोपर को दे देते और रात को टैक्सी चलाते थे ताकि मंदिर के लिए पैसा आए और दिन में नौकरी करते थे मंदिर चलाने के लिए मतलब ब्रह्मचारी थे इतना निस्वार्थ भाव का सेवा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा कर सकता है और बचपन से ही उजानपुर जो बचपन में डेवटी नहीं थे अमेरिका में बड़े हो रहे हैं तो रस्ते में जो कुत्ते रहते हैं ना सामान्य कुत्तों की कुत्तों का दुख भी उनसे देखा नहीं जाता था वो कुत्तों का जो होता है फ्लीज शरीर पे वो निकालते थे लोगों को कोई भी पड़ोस का इधर का सबको हेल्प करते रहते थे और जब कृष्ण के सामने आए तो कृष्ण से इतना आकर्षित हो गए कि दिन भर भक्तों की सेवा करने लगे कृष्ण की सेवा करने लगे सेवा 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 बस और देखिए उन्होंने ऐसा निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा की कृष्ण ने कैसा आदान प्रदान किया पैंतीस साल की उम्र में उनको कैंसर हो गया और भयंकर कैंसर और ये कौन सा ये साल का बात है 1977 यही टाइम पे मार्च अप्रैल के टाइम पे और डॉक्टर ने बोला अभी बस कुछ दिन बाकी है तो हॉस्पिटल में लेटे हैं सारे डेप्यूटीज मिलने जा रहे हैं उनको और उनको हमेशा सेवा करने का इच्छा सेवा करना है सबका सेवा करना है तो डेवोटिस को लगा कि अरे अभी तो जयनपुर में जाने वाले हैं तो इनकी जो अंतिम इच्छा होती है ना वो पूरा करना होता है ना डेवटिस भी जब बहुत दुखी होते हैं और मृत्यु का समय आता है तो बाकी डेविटिस पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है कुछ इच्छा है तो हम उसको पूरा कर देंगे तो डेवटिस ने पूछा क्या इच्छा है इनको तो क्या इच्छा है सेवा करने की इच्छा है तो इन्होंने सोचा कि अभी डेवटिस पूछ रहे नहीं 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 आपको क्या अच्छा लगता है खाने में आपको खिलाएंगे वो क्योंकि दे वॉन्ट टू फीड इिम समथिंग तो जयानंद प्रभु देखिए भक्तों को भी मालूम था कि इनको कॉलीफ्लावर पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है तो इन्होंने भी उन भक्तों को खुश करने के लिए क्या बोल दिया कॉलीफ्लावर पकौड़ा मुझे अच्छा लगता है तो डेविड ने कहा ठीक है अभी हम प्रभु जी अभी शरीर छोड़ने वाले हैं मरने वाले हैं जाने वाले हैं तो इनकी खुशी के लिए हम लास्ट इच्छा है तो इनको कॉलीफ्लावर पकौड़ा लेके आके इनको खिलाए तो कॉलीफ्लावर पकौड़ा बना के लेके आए इनको दिया तो इन्होंने कहा रखा सब फिर बाद में जब डेविडिस गए तो उठे बेड से पूरा डब्बा लेके सारे बाकी जो हॉस्पिटल में मरीज थे सबको खिलाया वो हमेशा ऐसे ही करते थे हलवा बनाते थे कुछ भी आता था इवन वेल डाइंग ओनली थिंकिंग ऑफ सर्विस गिविंग सर्विंग कृष्णा तो ऐसे जब ड्यूटीज को मिलता हूं ना मैं ट्रेवल्स में मेरे ट्रैवलिंग में इतना मतलब मुझे इंस्पिरेशन मिलता है देखिये प्रभु का बाद में डेथ हुआ सेवन में ऐसा डेथ नहीं बोलना चाहिए गलत है प्रपात ने बोला भी तो एस गॉन बैक टू कृष्ण बट अभी देखिए जब वो भक्त बने फुल टाइम डेबूटी बने उनके बहन को दुख हुआ माता पिता को घर पे दुख होता है ना ऐसा थोड़ी बट ही सिंसियरली सर्व तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया प्रपात के फिर डेबुटी ने फेस्टिवल मनाया फिर उसके बाद हर साल रथयात्रा में उनका फोटो रहता है हर बार रथयात्रा में तो टाइम निकल गया दस साल निकल गया बीस साल निकल गया तीस साल निकल गया तो अमेरिका में एक माता जी है कालिंदी माता जी जो हॉस्पिस में काम करती है हॉस्पिस मतलब जहाँ पर भक्त लोग जहाँ पे लोग आ, जाते हैं हॉस्पिटल से अलग होता है हॉस्पिस हॉस्पिस में जो जाता है हॉस्पिटल में जो जा जाता है वो ठीक होकर वापस आता है हॉस्पिस में जाता है वो मरने के लिए जाता है हॉस्पिस से कोई वापस नहीं आता है तो हॉस्पिस में वो नर्स थी मतलब जो लास्ट स्टेज में रहते हैं ना बीमार उनको हॉस्पिस में रखते हैं तो ये माता जी जो रोज जाती थी अस्पताल में वो हॉस्पिस में और जो मरने वाले लोगों को ऐसा प्यार देना उनको नर्सिंग करना उनको खाना खिलाना और ऐसा और ये हरे कृष्णा डिवोटी है माता जी कालिंदी माता जी पर अमेरिका में हॉस्पिस में अभी अमेरिका में जो भी डिवोटी भी नौकरी पर जाते हैं तो वो तिलक कंटी माला लगा के छोड़े जाते हैं और वो तो बीड बैग सब छिपा के रखते हैं और पूरा नॉर्मल सिविल क्लॉथ में सब काम करने जाते हैं तो एक दिन माता जी को लगा कि अरे हॉस्पिस मतलब लोग मरने मरने वाले हैं तो मर रहे हैं तो फिर क्यों इनको मैं मैं अपना हरे कृष्णा का जो अवतार है हमारा रूप है वो दिखा देती हूँ क्या प्रॉब्लम है कंटी माला तिलक ला के जाती हूँ कम से कम भगवान का स्मरण तो हो जाएगा और भीड़ बैग भी देखने दो और मैं हरे कृष्णा बोल देती हूँ क्या प्रॉब्लम है हरे कृष्णा तो बोलती ही थी वो जो लोग लोग लो प्राण त्यागते थे तो उनको हरे कृष्णा बोलती थी वो पर उसने निश्चय किया कि मैं तिलक लगा के जाऊँगी माला लगा के भीड़ बैग लेके चली गई ऑफिस में और एक बूढ़ी सी माता थी जो अपना प्राण त्याग रही थी तो वो शी वॉज डाइंग तो उसको जैसे वो माता जी बूढ़ी माता ने देखा तिलक कंटी माला भीड़ बैग खुश हो गई वो हरे कृष्णा माता जी ने बोला बूढ़ी माता जी तो ये कालिंदी माता जी भी उसको हरे कृष्णा बोल के पूरा उसके मुंह में सब गंगा जल डाल के तुलसी का वो करके उसका मतलब अमेरिकन माता जी कुछ लेने देना नहीं हरे कृष्णा से उसको खुश करके उसको कृष्णा कॉन्शियस वे में उसका प्राण उसने त्यागा वो कोई अनजान माता जी और कालिंदी माता जी ने उसका ऐसा बैक बैक टू क्वार पहुंचा दिया उसको और बाद में जैसे हो गया तो एक बच्चा आया बीस साल का तो उसने देखा एक ऑस्पिस में माता जी रोज आती है आज कैसे तिलक कंटी माला बीड बैग हरे कृष्णा तो कलिंदी माता जी ने ये बूढ़ी माता जी ने भी हरे कृष्णा बोला इसने भी बोला ये उसका पोता था तो बोला यू नो हरे कृष्णा वो लड़के ने हा बोला और भागा वो मॉम मॉम अपनी मम्मी को बुलाया मम्मी आई हरे कृष्णा तो फिर ये माता जी ने काली माता जी ने आप भी हरे कृष्ण जानते हैं तो ये जो माता जी थी ये वो बूढ़ी माता जी की बेटी थी और वो लड़का वो इसका बेटा था आप समझ गए? फिर ये महिला ने काली माता जी को बोला आप जयानंद को जानते हैं? तो काली माता जी ने बोला जयानंद द जयानंद जो इसको लेजेंड है द जयानंद तो माता जी महिला ने कहा हां जयानंद मैं उसकी बहन और ये उसकी मां है शॉक हो गई वो कालिंदी माता जी मतलब वेन आई हर्ड दिस शॉक्ड क्या अभी एक्चुअली अगर वो तिलक लगा के नहीं आती कंटीमाला लगा के नहीं आती कृष्णा वुड स्टिल प्रोटेक्टेड बट हमें मालूम ही नहीं पड़ता था ऐसे कितने जगह होगा कितने लोग होंगे जहां पर हमको मालूम नहीं है हमको मिराकल मालूम नहीं है जैसे आज जो कृष्ण प्रभु बोल रहे थे मिराकल बस हमको फेद देता है मिराकल तो हर क्षण हो रहा है पर प्रॉब्लम यह है कि हमको पता नहीं कि मिराकल हो रहा है क्योंकि वो सब लोग तिलक लगा के नहीं घूम रहे या कहाँ देवी देवता कैसे आते हैं कैसे भगवान कृष्ण किसको भेजते हैं तो देखिए भगवान कृष्ण ने दयानंद प्रभु के बलिदान और त्याग और उनका जो निस्वार्थ भाव का जो सेवा था उसके साथ कैसे आदान प्रदान किया उनको कितना दुख रहेगा अपनी माँ के बारे में सोच के वो सो, सोचा होगा उन्होंने इच्छा होगी कुछ माँ का कोई ख्याल रखना चाहिए देखिए कैसे कृष्णा ने जो अंतिम क्षण में जो सबसे मुश्किल समय होता है उस समय उस माता को स्माइल करके हरे कृष्ण का नाम लेके शरीर छोड़ने का मतलब ऐसा एक वातावरण निर्मित किया भगवान ने मतलब भगवान जो सेटिंग करते हैं ना उसके सामने सब फेल हो जाता है कृष्णा इज द बेस्ट सो वेन वेन द मदर वो जयानंद प्रभु की बहन और जो पोते रियलाइज किए कि अरे तो हरे कृष्णा वाले और जेन व्हेन दैट माताजी रियलाइज शी बिकेम इमोशनल पूरे उसने पूरे इंटरनेट में डाल दिया ये टू थाउजेंड सेवन का बहुत फेमस स्टोरी है ये जो जो जानते उस समय हम लोग तब आश्रम में थे ऐसा न्यूज फैल गया चंद्रमुली महाराज की वो डिसाइपल है माता जी माय गॉड हमारा इतना फेद बढ़ गया कि कृष्णा विल टेक केयर तो so, मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि इफ़ समबडी सेक्रीफाइज इज लाइफ फॉर कृष्णा डोंट थिंक कृष्णा इज नॉट देर कृष्णा इज कृष्णा इज मोस्ट लविंग so <coughs> this is कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट्स है ना बट वो कृष्णा का जो प्रोटेक्शन है ना टाइमिंग वो अलग है वो हमारे हाथ में नहीं है वो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी कैसे एंड होता है एंडिंग में सब सही हो जाता है वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है प्लॉट में ट्विस्ट टर्न ऐसा वैसा, वैसा सब चल रहा है चल रहा है चल रहा है एंड में परफेक्ट एंडिंग कृष्णा इज द डायरेक्टर ही नोज हाउ टू ब्रिंग द होल और एंड में ना सब लगता है अच्छा ये कनेक्टेड था ये कनेक्टेड था वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती ऐसे क्यों हो रहा है ऐसे एक बंदूक लटका रहेगा एक, एक फोटो रहेगा फोटो के ऊपर एक बंदूक लटका रहेगा वो मूवी में आप देखोगे आप बोलोगे तीस सेकेंड ये बंदूक को दिखाया फोटो दिखाया क्या मूवी से क्या कनेक्शन है मूवी चलेगा चलेगा तीन घंटा तीन घंटे के एंड में लास्ट पाँच दो मिनट में मालूम पड़ेगा कि अच्छा वो जो स्टार्टिंग में मर्डर हुआ था वो बंदूक वो पोर्ट्रेट के पीछे था वहां से गोली चला वो पूरे मूवी में समझ में नहीं आता है एंड में सब फिट होता है ना सब डॉट्स ज्वाइन होता है तो हरे कृष्णा में ऐसे ही है मृत्यु के समय सारा डॉट्स ज्वाइन होता है अच्छा ये भगवान का सेटिंग था लाइक like, राजकुमार वो मैं हमेशा बोलता मेरा फेवरेट है वो कोर्ट राजकुमार का राजकुमार एक बॉलीवुड के एक्टर थे वो बोलते थे वो उनका एक फेमस डायलॉग था जानी हम तुम्हें मारेंगे जरूर मारेंगे वो बंदूक भी हमारी होगी वो गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा तो कृष्ण भी डेवट को ऐसे ही है बोलते हैं प्रभु माता जी जो भी है प्रभु हम तुम्हें बचाएंगे जरूर बचाएंगे पर वो सिचुएशन भी हमारी होगी वो प्लानिंग भी हमारा होगा और वो वक्त भी हमारा होगा कृष्णा प्रोटेक्ट्स यू नो वी गो थ्रू लॉर्ड ऑफ पेन लॉर्ड ऑफ डाउट्स लॉर्ड ऑफ सफरिंग अरे मैंने ऐसा किया ऐसा नहीं करना चाहिए था ये गलती किया कन्फ्यूजन वो कृष्णा देख के स्माइल कर रहे हैं बेचारा इतना रो रहा है स्ट्रगल कर रही डेव फेथ इन मी अन्य चिंतनो माम मे जना परि उपास थे तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम एल आई सी वाले इतना आपको आश्वासन देते हैं आपको उसके ऊपर फेथ है कृष्णा का ओरिजिनल स्टेटमेंट कृष्णा का है वो योगक्षेम वहाम्य हम सो दिस इज जटायूज एग्जाम्पल जटायू सैक्रीफाइस दिज लाइफ

सीता माता के साथ जो रावण का जो एक्सचेंज है जो आदान प्रदान होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे एक थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं नहीं क्योंकि बहुत लंबा कथा हो गया एक्चुअल ओरिजिनल प्लान था आधा घंटा ही बोलना है मुझे और आधा घंटा कीर्तन मैं डेढ़ घंटा बोल दिया मैंने तो अभी आधा घंटा कीर्तन करो ठीक है <coughs> तो अब रावण मां सीता को लंका में लेकर आया है तो उसने क्या किया सबसे पहले अपने राक्षसी जो उनके बॉडी हैं रावण के उनको कहा आप सोच सकते हो कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया होगा रावण ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अभी सीता को लेके आया और उसको सीता को उधर डाला अशोक वाटिका में तो अब उसके जो क्लोज सिक्योरिटी गार्ड्स हैं राक्षस उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया हो सकता है रावण ने कैन यू इमेजिन मतलब कितना इनसेक्योर है रावण यू नो हाँ दैट इज लेटर वो बाद में सबसे पहले यू आर राइट थोड़ा देर के बाद यस yes, पहला इंस्ट्रक्शन रावण देता है सिक्योरिटी गार्ड्स को सी दैट नो मैन लुक सेटर कोई पुरुष उसको नहीं देखना चाहिए मतलब कितना इनसेक्योर है हीज डन सम एंड देन इसकी जो भी जरूरत है सब पूरा करो और अगर किसी ने इसको दुख पहुंचाया सीता को तो मैं उसे जान से मार दूंगा फिर अपने रूम में गए तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में पहली बार लंका का रावण के दूसरी बार एक्चुअली पूरे उसके महलों का वर्णन आता है डिटेल में वेरी इंटरेस्टिंग तो वहां पर उसके आठ सबसे पावरफुल जनरल थे रावण के उनको रावण आदेश देता है कि आप आठों लोग तुरंत जाओ दंडकारण्य में और उस राम और लक्ष्मण को देखो हरे कृष्णा फीडबैक हाँ। तो वो एक होता है ना जासूस वैसे बेचता है वो कहता है कि जाके देखो और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो राम को उसको क्या फीलिंग हो रहा है कितना वो स्ट्रांग हो रहा है वीक हो रहा है कितना गुस्सा हो रहा है आप देखो और केयरफुल रहो सावधान रहो वो वही व्यक्ति है जिसने मेरे पूरे आर्मी स्टेशन को जो उधर बैटेलियन था उसको पूरा अकेले ने सहार किया और रिपोर्ट दो मुझे तुरंत ऐसा करके अपने आठ मेन लोगों को दंडकारण्य भेजता है रावण उसके बाद रावण आता है सीता को देखने के लिए सीता जमीन पर ऐसी गिरी हुई है एंड जस्ट लाइक डियर इज सराउंडेड बाय हाउंड्स वैसे वो हिरन के जो एक एक असाय स्थिति में हिरन भेड़ बकरियों के बीच में कैसा रहता है वो जैकल्स के बीच में वैसा सीता इज लाइंग एंड देर आर राक्षसिस सराउंडिंग हर तो रावण जो है रावण के महल का भी उधर बहुत अच्छा वर्णन है कि रावण पैलेस वॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट इज सेट दैट रावण का जो महल था वो मन को बहुत शांत करने वाला महल था वहां पर भी वो देखो अशांत था कितना हिरण्यकश्यप के बारे में भी आता है सातवें स्कंद में सितट विषयान प्रियानतांजानो ना तृप्य अजितेंद्रिया आ, एक राट विषयान प्रियान हिरण्यकश्यप वो अकेला राजा था और उसके पास जो भी भोग की वस्तुएं थी सब उपलब्ध थी अतापी जोश बुंजानो जितने जोश से एंजॉय करना है उतना वो कर सकता था फिर भी ना तृप्य अजित वो संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं थी <laughs> सब कुछ होने के बाद भी आदमी दुखी है हं? तो रावण का महल ऐसा था और रावण के महल में ना ऐसा लाइट नहीं था ट्यूबलाइट नहीं था वो ऐसे जेम्स थे कि उससे लाइट आता था रात को मतलब सिस्टम अमेजिंग और अलग अलग रूम में अलग अलग फीलिंग्स अगर आपका अलग अलग इमोशंस तो अलग अलग रूम में आपको जाना था तो वो इमोशंस इनवो होता था मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी ये तो आधुनिक ज़माने में किधर भी नहीं है और लाइव म्यूजिक अलग अलग जगह पे डिलाइटफुल म्यूज़िक लाइव प्ले होता था और एवरी फ्यू प्लेसेस वहाँ पे फाउंटेन पॉन्ड्स रावण के पूरे लंका में एंड हवा में ना अलग अलग जैसे जगह पे जाओगे अलग अलग सेंट्स वुड बी फील्ड सो दैट वाज हाउ यू वाज तो फिर रावण सीता को देखकर कहता है कि मेरी इतनी शक्ति है मेरे सामने राम जो है एकदम तुच्छ है और अगर राम चाहता भी है तो वो यहां पर आकर तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि यहां पर कोई आ ही नहीं सकता है लंका इज इनएक्सेसिबल कोई लंका में नहीं आ सकता और तुम्हें लंका से कोई बचा नहीं सकता और ये जो सारे सुख सुविधाएं हैं इस महल में इस लंका में सब तुम्हारे लिए माया देवी ना ऐसा प्रलोभन देती है भक्त को एंजॉय करो मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ है टेक देम और मेरे पुष्पक विमान में आओ और एंजॉय करो सीता माता वॉज ओनली क्राइंग शी डिड नॉट इवन लुक एट राम पर बाद में क्या है अभी वो शी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अर सेल्फ सो शी फाइनली कंट्रोल्ड अर सेल्फ कंपोस्ट हर सेल्फ और फिर रावण को देखा सीता माता ने और बड़े क्रोध से कहा कि अब लंका में बहुत शीघ्र बहुत बड़ी बरसात होने वाली है एरोज का बारिश होने वाला है अनलिमिटेड एरोज रेनिंग सब तीर गिरेंगे यहां पर राम और लक्ष्मण के बाण से असीमित मात्रा में अनलिमिटेड एरोज विल रेन ऑन लंका और तुम्हारे इस बुरे कर्म के कारण लंका में बस अभी लंका केवल रोते हुए विधवाओं से भर जाएगा सब जगह विधवाएं रोती रहेंगी मैं एक क्षण के लिए भी राम को नहीं भूल सकती मेरा सबसे बड़ा ग्लानी है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा स्वागत किया हमारे कुटीर में तुम मुझे जान से मार सकते हो पर मैं राम के बिना नहीं रह सकती तो रावण ने कहा सीता माता को कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे सारे रानियों से सबसे अधिक तुमसे प्यार करता हूं तो सीता माता और दिक, उसे दिखाने लगी तो रावण ने ऐसे अपना प्यार कैसे व्यक्त किया रावण ने कहा कि अगर तुम एक साल के अंदर मुझसे मुझे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मारकर ब्रेकफास्ट में खा लूंगा इतना प्यार करता है मैं अगर किसी से तो कोई प्यार करेगा उसको ब्रेकफास्ट में खा लेगा <laughs> क्या प्यार है ये इसको कहते हैं काम वासना लस्ट और लव में अंतर क्या है लव मीन्स आप जिससे प्रेम करते हो उसकी सेवा करते हो अगर वास्तव में रावण प्रेम करता था सीता माता से तो जो सीता माता को अच्छा लगता है वही करेगा ना वेन यू लव सम काम वासना जो हम लोग बोलते हैं ना कोई बोलता है आई लव पिज्जा यू डोंट लव पिज्जा दैट पिज्जा गिव्स यू एंजॉयमेंट यू लस्ट आफ्टर इट राइट हम लोग जो भी कोई एक वेज आदमी I love फिश इ doesn't लव फिश कोई मछली पकड़ता है कोई काटता है कोई कुक करता है फिर उसके इंद्रियों को सुख देता है तो वो कहता है आई लव फिश हम जो भी लव बात करते हैं ना व्यक्ति कभी हम बोलते हैं हम मैं उसे प्यार करता हूँ हम ये सोच के बोलते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरे इंद्रियों को खुशी देगा मेरे फीलिंग्स को केयर करेगा मुझे सुख देगा तो मेरा सब सेंटर इज मी इसलिए हम बोलते हैं मैं प्यार करता हूँ ये क्लासिक एग्जाम्पल रावण का है वट इज दैट वर्स एंड काम और प्रेम का वर्ष क्या वो फेमस कृष्णेरा प्रीति इच्छा तारा बोले नहीं आत्मेंद्रिय प्रीति तारा बोले काम कृष्णेन्द्र प्रीति धरे आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा अपने आ, अपने इंद्रियों को खुश करने का जो प्रयास है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम उसे काम कहते हैं वो प्रेम नहीं है वेन आई वॉन्ट टू एंजॉय माइ सेल्फ दैट इज काम आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम अब बोलिए प्रीति प्रीति इच्छा दरे प्रेम नाम आपने कितना सुलभता से रिपीट किया मैं यही जब वेस्ट में प्रीचिंग करता हूं इंग्लैंड में यूएस में तो ऐसा चेतना चर्ता से बहुत लोग बोलता हूँ पे भी लोगों को रिपीट करने के लिए बोलते हैं एक एक वर्ड को रिपीट करना पड़ता है वो पूरा लाइन नहीं कर पाते क्योंकि वो लैंग्वेज और कल्चर so 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 के इंद्रियों को आनंद देना चाहते हैं तो वो प्रेम है जब अपने इंद्रियों को खुश करना चाहते हैं तो वो काम सिंपल so really so तो रावण वॉज नॉट लविंग सीता अदरवाइज वाई बिली वॉन्ट तो रावण तो वैसे ही हो गया ना जैसे वो बॉम्बे में अभी न्यूज आया था कि कोई लड़की थी बहुत सुंदर थी तो उसको कॉलेज में एक लड़का उसको बहुत वो कर रहा था परेशान कर रहा था उससे बोल रहा था कि मैं प्यार करता हूँ मुझसे शादी करो शादी करो शादी करो तो लड़की ने रेफ्यूज़ किया तो उसने कहा कि मैं इतना प्यार करता हूँ तो उसने मुझे रिफ्यूज़ किया तो उसके मुँह पर एसिड डाल दिया पूरा उसका फेस को ऐसा भयंकर हो गया वो पूरा एसिड डाल अगर वो प्यार करता तो एसिड क्यों डाला उसने मतलब वो प्यार नहीं था सिंपल वो हम लोग छोटे थे तो बॉलीवुड का एक गाना था मुकेश मुकेश करके एक सिंगर था उसका गाना था तुम मुझे नहीं चाहोगी तो कोई बात नहीं तुम किसी और को चाहोगी तो मुसीबत होगी ऐसा ही गाना था सुना होगा किसी अभी मत सुनना यूट्यूब में जाके आज <laughs> मुझे याद आया मुकेश का एक फेमस गाना था तुम मुझे नहीं चाहोगी तो कोई बात नहीं किसी और को नहीं चाहने का मतलब क्या मतलब दिस इज लाइक दिस इज क्रेजी तो रावणा रावण ने अपने सारे जो दासी थे वहां पर राक्षसी थे उनको कहा कि इसके घमंड को तुम तोड़ो तो उनका इंस्ट्रक्शन था राक्षसियों को कि सीता माता को वो बोल रहा था कि सीता माता के घमंड है और उसको क्या करना है रावण का इंस्ट्रक्शन उसे धमकी भी दो और बीच बीच में मेरे बारे में ऐसा प्रशंसा करो कि उसको मतलब सॉफ्ट वर्ड्स बोलो प्रेम के वचन बोलो और धमकी भी दो और इस तरह से उसको वश में करो जैसे किसी जंगली जानवर को एक शिकारी वश में करता है इस तरह से रावण ने आदेश दिया और उसे एक बहुत ही सुंदर वाटिका अशोक वाटिका में रखा और फिर रावण ने कहा हमेशा इसे मेरा शक्ति और मेरा जो ग्लोरी है मेरा यश है इसके बारे में बताते रहो प्रीचिंग करते रहो और ऐसा बोलकर रावण मान से चला गया और जब रावण गुस्से में गया तो पूरा पृथ्वी का कंपन पृथ्वी में कंपन होने लगा और सीता माता ने कभी देखो सीता माता का जो एग्जाम्पल है ना उसका मुझे मॉडर्न ज़माने में वो बुक याद आता है एक सारो प्रभु का एक स्टोरी है बुक पूरा सॉल्टेड ब्रेड आपने देखा होगा रशिया के डेबोटिस इतने तकलीफ़ में थे उनको के ने इतना तकलीफ दिया उनको हरे कृष्णा को छोड़ने के लिए पर तो दे डिड नॉट लीव तो उनको जेल में रखा खाने को नहीं था तो वो लोगों ने ब्रेड उनको ब्रेड मिलता था एक दिन में खाने के लिए ब्रेड को उन्होंने फिर फिर के उसमें से बीड्स बनाया और उसमें से वो लोग माला करते थे मतलब वो वो डेडिकेशन जो जो कृष्ण को नहीं छोड़ने का दृढ़ता है सीता माता शी अस कितना भी प्रलोभन कितना भी अटेमटेशन आई विल नॉट गिव अप कृष्णा तो सीता फिर सीता माता फेल्ट अभी ना रामायण में बहुत डिस्क्रिप्शन है वो राक्षसी का जो अलग अलग वो मैं आपको स्पेयर करता हूँ आप पढ़ लेना बाद में राक्षसों का जो डिस्क्रिप्शन है उनके सुंदरता का या कुरूपता का अभी हम पास्ट टाइम आगे जाते हैं राम आ रहे हैं अपने कुटीर में और वहां से कौन आ रहे हैं राम को ढूंढते हुए लक्ष्मण सो राम इज रनिंग एंड राम इज रनिंग स्टार्ट ईयर्स ऑन स्क्रीमिंग साउंड लाउड स्क्रीमिंग रुक जाते हैं और देखते हैं उनके बाएं तरफ एक लोमड़ी शगाल और जोर से छींक रही तो ये जो है ना जो साइन लैंग्वेज जानते हैं उसमें अपशकुन माना जाता है कि आपके बाएं तरफ अगर कंपन हो रहा है और बाएं तरफ से कोई जैकल का आवाज आता है तो राम को वो सब अपशकुन चिन्ह दिखने लगा और फिर उनके मन में विचार आने लगा क्या सीता को किसी जंगली जानवर ने निगल लिया और ये मारीच के आवाज से लक्ष्मण को सीता ने डांट कर भेजा होगा मुझे ढूंढने के लिए ऐसा भी राम Starts starts और और जब वो भागते हैं तो सामने देखते हैं लक्ष्मण आ रहे And राम तो पर क्या कर रहे हो डन तुमने उस असहाय सीता को क्यों छोड़कर आए अब मुझे पूरा विश्वास है मुझे डर लग रहा है कि उसे कोई राक्षस निगल लेगा या कोई उसे चुरा लेगा और फिर राम के आंखों से आंसू बहने लगे राम ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों छोड़ के आए ऐसा लक्ष्मण को डांटने लगे तुम जानते नहीं सीता ने अपनी सारी खुशियों को त्याग दिया मेरे साथ आने के लिए वन में मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता और लक्ष्मण बहुत हताश हो गए लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं छोड़ना चाहता था पर सीता माता ने मुझे बहुत जोर से डांट कर और लक्ष्मण ने पूरा बताया स्टोरी क्या सीता माता ने आरोप लगाया तो राम ये सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण के ऊपर वो कहते हैं कि तुमने उसकी बातों को सीरियसली क्यों लिया वो भावनाओं के वेग में थी तो उसने ऐसा कहा तुम क्रोध में आ गए हो लक्ष्मण लक्ष्मण को क्रोध आता था तो राम भगवान ने लक्ष्मण ने सीता माता का आदेश का पालन किया पर लॉर्ड राम टुकिट है कि आप क्रोध के वश में आ गए हो एंड देन लॉर्ड राम से कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया लक्ष्मण ऐसा कहकर राम भागने लगे कुटीर के पास और लक्ष्मण पीछे पीछे भाग रहे हैं और राम इज रनिंग एंड ऑल द बुशेस दे आर ऑल क्रैशिंग अगेंस्ट हिज बॉडी एंड जब वो आते हैं और सिर्फ कुटीर में आते हैं देखते हैं पूरा वो स्कैटर्ड है पूरा ऐसा डिसबल्ड इट्स ऑल डिस्टर्ब स्टेट मालूम पड़ता है कि कुछ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया तो जोर जोर से जो चिल्लाते हैं वो, भगवान राम चिल्लाते हैं सीता सीता पुकारते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं लॉर्ड राम हार्ट सैंक और सब जगह एकदम शांत वातावरण सारे जो वृक्ष ऐसा लग रहा था कि वृक्ष सब रो रहे हैं ऑल द ट्रीज आर क्राइंग फ्लावर्स वो क्या ना ऐसे ऐसे फूल गिरे थे कुछ गार्लैंड था तो लॉर्ड राम पुट अ गार्लैंड ऑन सीता सुबह वो गार्डन का जो फ्लावर स्कैटर्ड नीचे गिरा हुआ दिखा सो so देखिए क्या होता है भगवान राम है पर कितने ह्यूमन ह्यूमन इंकारनेशन है ना तो वो डिनायल मोड में चले गए मतलब? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है तो वो बोलने लगे जो हंसने लगे ओ सीता तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो तो उनको लगा सीता इज जोकिंग विद हर ओ सीता मुझे मालूम है अभी कहीं तो छिपी है वो she is playing hide and seek with it. that's what ram is thinking in that mood Event. went so, to fir kuch der ke baad laga are nahi ye to nahi dikh rahi then again see he was realizing also that she is kidnapped but he was also in denial nahi 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 sab kuch acha hai hum bolte hai na positive thinking actually a positive thinking bahut bada cheating hai duniya mein Positive thinking is toxic. उसको बोलते हैं toxic positivity. मतलब जहरीला है वो जब सत्य को हम avoid करते हैं तो anyway, तो फिर वो सारे वृक्षों के पास जाते हैं वो बोलते हैं वो कदम्बा वृक्ष वो हर वृक्ष को नाम से पुकारते हैं वो कदम्बा वो बिल्वा वो अशोका वो अर्जुना वो सारे वृक्षों को पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है सारे वृक्षों को पूछते हैं फिर क्या जनक नंदिनी क्या वो जीवित है क्या उसे ले गया है और फिर वो अपने वो एक पागल वो पागल हो जाते हैं थोड़ा वो अपने आवेश में आ जाते हैं वो कहते हैं वो आकाश को पूछने लगते हैं क्या आपने मेरी सीता को देखा है हवा को पेड़ को दिशाओं को पूछने लग जाते हैं और सारे जो पशु है ना वो देखते हैं राम को पर उनको अभी तक रावण का भय होता है रावण का जो उन्होंने दस सर और बीस हाथ देकर जो उसने रावण का जो प्रदर्शन था भयानक वो अभी भी वो पशुओं को याद रहता है तो पशु राम को देख के ऐसे ही थरथराते मतलब वो दे नॉट एबल टू एनीथिंग वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो फिर राम देखते हैं वहां पर आगे कुछ पीले रंग के पुष्प गिरे हुए तो राम मुस्कुराने लगते क्योंकि राम को सीता के वस्त्र का या स्मरण होता है वो उसी कलर का वस्त्र पहना था सीता ने कुछ दिन पहले सिल्क गारमेंट तो ई स्टार्ट सीइंग क्रीपर्स इन द विंड एंड ई स्टार्ट रिमेंबरिंग सीता सिल्क गारमेंट्स एंड ई सम ट्रीज ई स्टार्ट थिंकिंग रिमेंबरिंग सीताज लिम्स एंड देन ही बिकम्स क्वाइट एंड देन ई स्टार्ट क्राइंग जोर जोर से वो रोने लग जाते हैं ये ना आप कभी टाइम मिला तो पढ़िए चैप्टर नंबर फिफ्टी एट टू सेवेंटी एट अरण्य कांड में बीस अध्याय में केवल राम का रोना है कोई कोई बोलता है ना कि राम ने सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में क्यों भेजा ऐसा वो लोग आरोप लगाते हैं ना मैं उनको बोलता हूँ वो सब बाद में डिस्कस करेंगे पहले आप मुझे बताओ कि आप मानते हैं कि राम सीता से प्यार करते थे समझ रहे क्वेश्चन एक क्वेश्चन पीछे जाने का जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे ना फिर आपको डाउट ही नहीं होगा कि राम भगवान सीता माता से प्यार करते थे फिर उसके बाद जो हुआ वो अलग टॉपिक है फर्स्ट यू बी कन्विंस दैट राम सीता हाउ मच यू लव राम लक्ष्मण को बोलने लगे मैं कौशल्या माता सुमित्रा माता कैके माता को क्या मुंह दिखाऊंगा मैंने जनक महाराज को मैंने वचन दिया था कि मैं उनकी पुत्री की रक्षा करूंगा तो जोर जोर से रोने लगे फिर उन्होंने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण तुम अयोध्या जाओ और भरत को मदद करो राज्य संभालने में मैं यहां पर अपने प्राण को त्याग दूंगा और लक्ष्मण भी बहुत दुखी हो गए पर लक्ष्मण को अभी सेवा था देखो कभी कभी हम अपने भावनाओं को फीलिंग्स को साइड में रखना होता है लक्ष्मण ऑज हिमसेल्फ शैटर्ड और उन्होंने जब देखा उनके भ्राताश्री का ये हालत है तो उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि आप इस तरह से विलाप मत कीजिए हम निश्चित रूप से सीता माता को ढूंढ लेंगे गिवस कॉन्फिडेंस टू हिस्स एक्चुअली लक्ष्मण को डांटा है राम ने सीता माता ने भी डांटा <laughs> ऐसा नहीं कि लक्ष्मण फिल्डर है डांट दिया उसके लिए उनका सेवा करने के लिए मैं रुका था उन्होंने डांट के मुझे भेज दिया मेरे चरित्र पर आरोप लगाया और मैं अभी आया आपके पास आप भी मुझे डांट रहे हो मतलब दोनों <laughs> दोनों पार्टी से डांट ऐसा नहीं कि लक्ष्मण यू नो से आई वी लीव दिस कॉन एंड गो सम्स ऐसा <laughs> है ना कि अरे आपके मेगा बेबी के झगड़े में मैं यू 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 आर आर फाइटिंग एंड एंड बोथ मी आई आई डोंट हैव डू विद गो जॉइन सम अदर किधर तो चला जाता हूँ दूसरा संस्था में नहीं सर्विस लव मीन्स यू हैव एवरी रीजन टू ब्रेक द रिलेशनशिप फिर भी आप नहीं तोड़ते हो तो उसको प्यार बोलते हैं प्यार ऐसा नहीं कि जब मुझे अच्छा लगे तो ही एक्चुअली ना रामायण और एक भागवतम और महाभारत में अंतर क्या है जो श्रीमद भागवतम हमें सिखाता है कैसे इस दुनिया को छोड़ के जाना है हाउ टू लीव द वर्ल्ड महाभारत टीचर्स अस हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड और रामायण सिखाता है हाउ टू लीड एक नेतृत्व क्या होता अभी आप ये ऐसा नहीं कि भागवतम में नेतृत्व के बारे में नहीं है या भागवतम में कैसे जीना है वो नहीं है तीनों ग्रंथों में तीनों चीजें हैं पर एसेंशियली भागवतम का जनरली फोकस ये रहता है एम्फोसिस भागवतम में परीक्षित महाराज जब मिले सुखदेव गोस्वामी को तो पहला उन्होंने यही पूछा हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड एंड गो बैक टू कृष्ण विपरा बस तो वो भागवतम का फोकस महाभारत में आप देखोगे ना अलग अलग प्रैक्टिकल चीजें बहुत है महाभारत में कैसे दुनिया में रहना है जैसे भागवतम का क्या फोकस है तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को देख के यही पूछते हैं मुझे बस अभी मरना है कृष्ण को याद करना है मरते समय डायरेक्ट पहला चीज ही वही बोलते हैं तमोपयाता प्रतियंतु विप्रा गंगा चेवी दृढ़क्षको दशत वलम गाय विष्णु गाथा आप बस भगवान का गायन करो भगवान का ग्लोरी सुनाओ मैं रेडी हूं मरने के लिए दिस इज हाउ दिस इज भागवतम लाइक अमेजिंग ये शुरू ऐसा होता है भागवतम आने दो उस तक्षक को और मुझे डसने दो गंगा च देवी दृढ़ चित्त में गंगा के तट पर बैठा हूं मैं दृढ़ता पूर्वक अपने प्राण को त्यागने के लिए रेडी हूं कुअक तक्षको वा वो तक्षक को आने दो दशत कलम का अब बस कृष्ण कीर्तन करो ऐसा मूड है भागवतम का महाभारत में एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं जैसे वो यक्ष का प्रश्न होता है वो अर्जुन अपना युधिष्ठिर महाराज पता है आपको वो सारे पांडवों की मृत्यु हो जाती है यक्ष बोलता है कि मेरे प्रश्न पूछूंगा उत्तर सब दे दिया तो एक आपके पांडव के भाइयों को जीवित करूंगा तो उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन पूछता है यक्ष युधिष्ठ महाराज को इस भौतिक जगत में कोई सुखी कैसे हो सकता है कोई मनुष्य सुख कैसे पा सकता है यू नो वॉट युधिष्ठ महाराज आंसर और वो राइट आंसर होता है युधिष्ठ महाराज बोलते हैं तीन चीजें होना चाहिए अगर व्यक्ति को गर्म खाना मिलेगा और उसका कोई लोन नहीं रहेगा डेट और उसको काम करने का जगह घर के पास होगा तो ये तीन चीज होगा तो वो सुखी रहेगा <laughs> और ये पांच हजार साल पहले बोला था आज कितना रियल है जिसका काम करने का जगह घर के पास हो गरम गरम खाना मिले और कोई ऋण नहीं हो लोन नहीं हो जो आनंद बोलते हैं ना वो सब महाभारत में भी है <laughs> मुझे लगा केवल भागोतम में <laughs> कितना प्रैक्टिकल मतलब ये महाभारत में है हाउ टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड तो ये महाभारत हो गया हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड भागवतम हो गया हाउ टू लीव महाभारत रामायण इज हाउ टू लीड एंड इज लीडिंग एवरीबडीजिंग लीडर इन वन सेंस आप अपने परिवार में आप किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में यू आर ऑलवेज सेटिंग यू हैव टू सेट एन आइडियल स्टैंडर्ड धर्म का पालन करना है और यहां पर हम देखते हैं भगवान राम का एक अलग ही पहलू दिखेगा आपको अरण्य कांड में वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं अपने संतुलन को खो देते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते जो तो डिप्रेशन का सिम्टम्स है वो कुछ करना नहीं है एंड गॉड ओवरकम्स डिप्रेशन ऑफ कोर्स, गॉड नेवर गेट्स इनटू डिप्रेशन ये भगवान की लीला है कभी हम कोई अपराध नहीं करना चाहिए गोपीनाथ तुम्हें कृपा पारो बार जीवेरा काराणे आसिया प्रपंच लीला कोयलो सुविस्तार भक्तिनाथ ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि भगवान जब धरातल पर लीलाएं करते हैं वो कृपा पारोबार वो कृपा के कारण करते हैं जीवेरा कारण है आशिया प्रपंच हमारे लिए वो इस धरती पर आकर ऐसी लीलाएं करते हैं लीला कोयलो सुविस्तार अपनी लीलाएं करते हैं ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हों अगर भगवान राम आकर इस तरह से लीलाएं नहीं करते तो हम लोग क्या गप्पे मारते थे इधर हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे तो भगवान की लीलाएं उसको हम गलत नहीं समझना वो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में बहुत स्पष्ट कहा है कि हमें भगवान की लीलाओं को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए मैं पहले क्लैरिफाई कर रखूँ की आगे आप सुनोगे ना आपको लगेगा ये क्या है कोई ऐसे कैसे रो सकता है अपने पत्नी के लिए और लक्ष्मण जो डांटते हैं राम को वो सुन के आपको, आपको और वो हो जाएगा इज लाइक जस्ट लाइक कृष्णा चैष्टाचंद अर्जुना इन द गीता लक्ष्मण वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट ज ब्रदर एंड वॉट ऑल है इंटेंस डायलॉग है लक्ष्मण और राम के बीच में मतलब रामायण का एकदम मार्मिक प्रसंग लगता है मुझे पे राम, totally और वो में बहुत कुछ होता है प्यार भी है डांटना भी है बहुत कुछ है तो उसपे हमको जज नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वे पुनर्जन्मा सो अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है वो सामान्य नहीं है और जो इसे जानता है दिव्य दिव्यत्व को वो कभी इस जगत में जन्म नहीं लेगा तो भगवान राम जो है हालांकि वो मतलब वो लीला है भगवान है पर हमें इससे कुछ शिक्षाएं मिलती है कैसे हम लोग भी कभी कभी ना कुछ चीज से आसक्त होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास अच्छे डिवोटीज नहीं है जो हमको संग देंगे हमको गाइड करेंगे तो वी कैन गेट इन टू डिप्रेशन प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं नाइन्थ कैंटो में क्या वो लॉर्ड राम वॉ सो अटैच तो मदर सीता विच इज लीला विच इज फास्ट टाइम बट इन वन सेंस वी कैन लूज आवर कम्पोजर ऑल्सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में जब लोग एडिक्टेड हो जाते हैं या कैंसर होता है या कुछ ऐसी कुछ बहुत कठिन परिस्थिति आती है तो लोग डिप्रेशन में आने के पहले उनको कुछ फेजेस होता है पहले वो डिनाइल में रहते हैं नहीं नहीं मेरा सब कुछ ठीक है फिर डिनायल मालूम पड़ता है कि ये अरे एक्चुअली प्रॉब्लम है मैं डिनाई नहीं कर सकता फिर वो बार्गेनिंग करते हैं बार्गेनिंग से भी नहीं होता है तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं क्रोधित हो जाते हैं फिर देखते हैं क्रोध से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उस समय जब क्रोध आता है ना उस समय कम से कम कोई तो होना चाहिए जो उनको एक्चुअली हेल्प करें एक्सेप्ट करने को कि ये समस्या है और ये रियल है एक्सेप्टेंस इज द सोल्यूशन फॉर इज द ओनली वे आउट एंड बाई विच वी कैन थिंक ऑफ सोल्यूशन अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को तो डिनाइल बार्गेन एंगर डिप्रेशन एंड यू वॉन्ट टू अवॉइड डिप्रेशन देन देर ऑस्ट बी एक्सेप्टेंस ये साइकोलॉजी में बहुत कॉमन टॉपिक है इसके ऊपर बहुत बुक्स लिखे गए हैं और जब मैं पढ़ रहा था ये सेक्शन ट्वेंटी फिफ्टी टू सेवेंटी में देख रहा था राम भी डिनाइल कर रहे हैं पहले तो पूरा डिनाई करते हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं सीता इधर ही है फिर वो बार्गेन करते हैं मतलब अरे सारे वृक्षों को बोलते हैं अरे सीता को लेके आओ यू नो इज इज बेगिंग इज टॉकिंग एंड देन ई गेट्स एंग्री वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड ही गोस थ्रू ऑल दिस थ्री फेजेस सो Uh, जैसे अब एग्जाम्पल देता हूँ जैसे किसी को कैंसर हो गया नहीं होना चाहिए पर किसी को कैंसर हो गया मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को पूरा कन्फर्म हो गया कि वो अभी चार महीने में वो न कुछ और होप नहीं है तो ही स्टार्टेड ट्राइंग पहले तो डिनाइल नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक कॉन्स्टेंटलीट विनाइल देन यू नो वॉट यू डिड ये से नहीं शायद ये ये बाबा जी के पास कुछ होगा सोल्यूशन ये यज्ञ करने से कुछ हो जाएगा दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग फिर ये भी फेल होने लगा ना फिर जैसे टाइम आने लगा पास में वो तो शाउटिंग एट एवरी वन यू नो इन एंग्री मतलब वो पेन ना रियलिटी जब सामने आता है पहले आप अवॉइड करते हो फिर दिखता है तो फिर बार्गेन करते हो फिर गुस्सा हो जाते हो फिर वो देखते हो गुस्सा होने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है देन डिप्रेशन जैसे मेरा एक दोस्त था कॉलेज में वो उसको वो चेन स्मोक करता दिन में चालीस सिगरेट स्मोक करता था जैसे मैंने उसको कहा अरे तू तो एडिक्टेड है सिगरेट से तो उसने पहला चीज़ कहा है? नहीं मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ मैंने कहा छोड़ दो नहीं ऐसा मूड नहीं हो रहा अभी नहीं तो मैं कभी भी छोड़ सकता तो ये जो आंसर है ये उत्तर जो है क्या है डिनायल नहीं सब कुछ अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं डिनायल सबसे बड़ा झूठ है दुनिया में क्योंकि वो झूठ हम अपने आप को बोलते हैं जो अपने आप को झूठ बोलते हैं ना वो सबसे बड़ा झूठ होता है नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है सब कुछ अच्छा है एक्सेप्ट करो बाबा मैं दुखी हूं या मेरे साथ ये हुआ है तो लॉर्ड राम वो देखते जब मारीच ने जब चिल्लाया तो समझ गए थे एक्चुअली बट ई केम रनिंग और और इंटरेस्टिंग है भगवान राम है वो भगवान है इसलिए जब वो लक्ष्मण को पकड़ते हैं ना जब लक्ष्मण के पास आते हैं उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो लक्ष्मण को वो डांटते भी और जेंटली भी बात करते हैं इट इज ओनली लॉर्ड कैन डू दिस ही इज एबल टू टॉक वेरी नाइसली विद लक्ष्मण ऑल्सो बिकॉज भगवान राम की एक विशेषता है वो बहुत सेंसिटिव है जैसे जब वो अयोध्या से निकले रथ में कौन चला रहा था रथ सुमंत्र वो चैरियट ड्राइवर था तो जब राम रथ में बैठे हैं और देखा उन्होंने आगे जाते समय सब ब्राह्मण लोग सारे अयोध्यावासी भी साथ में आ रहे हैं और उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं तो भगवान राम को अच्छा नहीं लगा कि ये सीनियर लोग चल रहे हैं और मैं रथ में बैठा हूं तो वो भी उतर के उनके साथ चल रहे थे तो ही स्टार्ट्स लुकिंग एवरीवेयर और फिर क्या करते हैं भगवान राम उनको लगता है कि वो और लक्ष्मण को बोलते हैं लक्ष्मण सीता तो इधर ही है मैं जानता हूं वो मेरे साथ वो खेल रही है शी इज प्लेइंग जोक्स विद मी तो फिर लक्ष्मण राम क्या करते हैं उधर बैठ जाते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और मुस्कुराते हैं फिर तो लक्ष्मण बोलते हैं लक्ष्मण इज लाइक डोंट नो व्हाट टू डू ही जेंटली टेल्स माय डियर ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग तो भगवान राम कहते हैं याद है लक्ष्मण कुछ दिन पहले जब मैं ध्यान कर रहा था तो सीता आई मेरे पास और उसने मुझे एक रोज से ऐसे हिट किया प्रेम से और मैंने गुस्सा होने का नाटक किया कि मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब मत करो और मैंने उसको गुस्से से देखा और वापस मेडिटेशन किया तो अभी वो बदला ले रही है मेरे से तो मैं सॉरी बोलने के लिए वापस ऐसा बैठ जाता तो वो राम ऐसे बैठ गए And is like it's वो सब देख के उतल पुतल सब उधर फूल गिराया पूरा पक्षी जानवर सब भाग रहे हैं तो मतलब सीता है ही नहीं। thinking, oh, मेरे साथ मजाक कर रही है फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद मेडिटेशन के बाद अरे सीता तो कहीं नहीं है लक्ष्मण हो ना सीता तो उधर गोदावरी में गई है पानी लाने के लिए जाओ गोदावरी में जाओ बुलाओ उसे जल्दी दिस डिनाइल तो लक्ष्मण चुपचाप जाते हैं गोदावरी कम्स बैक एंड राम इज वेटिंग जस्ट पुट्स पुट हेड डाउन डिनाइल मतलब डिनाइल फेल हो गया फिर भगवान राम चिल्लाते हैं अशोका वृक्ष कदम्बा वृक्ष सारे वृक्षों को पूछते हैं अरे मेरी सीता को वापस दे दो मुझे ही स्टार्ट जस्ट लाइक अ कैंसर पेशेंट वुड स्टार्ट बार्गेनिंग विद डिफरेंट गोइंग टू डिफरेंट बाबा डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट मेथड्स ही स्टार्ट सेटन वो आई वॉन्ट मई सीता बैक प्लीज गिव सीता बैक सारे वृक्षों को जाके पकड़ के आलिंगन करते हैं पूछते हैं उनको ऐसा हिलाते हैं वृक्षों को फिर लक्ष्मण को देख के कहते हैं लक्ष्मण मैं तो अभी मरने वाला हूँ मेरी मृत्यु होने वाली है कह के खुश होगी ना फिर रुक जाते हैं फिर कहते हैं नहीं 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 कहके खुश क्यों होगी कही तो कैके तो मुझसे बहुत प्रेम करती है कैके तो बहुत दुखी होगी जब वो देखेगी कि मेरी सीता का अपहरण हुआ है या मेरी सीता मर गई और मैंने अपना प्राण त्याग दिया और जब मैं प्राण त्याग दूंगा तुम अयोध्या जाओगे और भरत राजा बनेगा जब भरत राजा बनेगा तो क्या मेरी मां कौशल्या कैके माता का जो पोजीशन रहेगा राज माता का वो क्या वो स्वीकार कर पाएगी मतलब सो सेंसिटिव इज थिंकिंग मदर मदर कौशल्या विल बी ओके टू एक्सेप्ट कैके एज द सीनियर तो तुम मेरी माँ कौशल्या का भी ख्याल रखना सो ही स्टार्ट्स केयरिंग फॉर इज मदर कौशल्या बिकॉज नाउ यू वांट्स टू लीव दिस वर्ल्ड सो इज इवन इन डिस्ट्रेस ही स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इज मदर हैप्पीनेस एंड देन सडनली लुकिंग एट लक्ष्मण और लक्ष्मण को देखकर साइड में देखते हैं बोलते हैं सीता करके वो स्माइल करके आगे जाते हैं सीता है standing, वो काल्पनिक सीता को देखते हैं सीता नहीं है पर उन्हें लगता है इमेजिनरी सीता इमेजिनरी सीता सो दे उससे बात करने लग जाते हैं वहां पर कोई है नहीं बड़ी सी सीता तुम कहां गई थी क्यों इतना देर लगाया गोदावरी पे एंड वर्सेज डिस्क्राइबिंग रामिंग टू एन इमेजिरी सीता एंड लक्ष्मण इज वॉचिंग ऑल ऑफ दिस हिरण भाग रहा है तो हिरण अकेला रहता है तो कहते लक्ष्मण वो हिरण की भी पत्नी खो गई है वो हिरन भी देखो मेरे जैसे असहाय स्थिति में भाग रहा है तो हि सींगन एवरीवेर एंड देन फिर बोलते लक्ष्मण हम लोग एंड दैट कंडीशन लॉर्ड राम प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड राम कहते हैं लक्ष्मण को लक्ष्मण हम कितने भाग्यशाली है ना कि सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं जिससे हम सीता को ढूंढ सके क्या हमारा भाग्य है कि वायु भी शीतल हवा प्रदान कर रहा है ताकि हम जाकर सीता को ढूंढ सके तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो राम इज इज क्राइम एंड इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन ग्रेटिट्यूड देन ई स्टार्ट्स क्राइंग हेल्पलेसली एक्चुअली इससे थोड़े चैप्टर्स पहले लक्ष्मण ने सीता माता को कहा था जब सीता माता ने कहा कि राम रो रहे हैं वहां पर मारिच का जब आवाज मारिच ने जब आज निकल तो लक्ष्मण ने कहा था कि राम विल नेवर क्राई कॉन्फिडेंसली बोला था कि राम विल नेवर क्राई एंड राम इज नॉट क्राइंग ई स्टार्ट वेलिंग सो ये बहुत मैंने देखा देखो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत विलाप करते हैं अंत्यलीला में चैतन्य महाप्रभु बहुत रोते हैं पर वो जो है ना भक्त के मूड में भगवान के लिए रो रहे हैं वो एक डिवोटी भगवान के लिए रो रहे हैं भागवतम में गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए भक्त रो रहे हैं भगवान के लिए पहली बार हम देख रहे हैं भगवान अपने डेवोटी के लिए रो रहे हैं ह्यूमन फॉर्म बट इज एक्चुअली क्राइंग इंटेंसली मतलब हम बोलते हैं कि लीडर को हमेशा टफ होना चाहिए बट यहाँ पे लॉर्ड राम इज शोइंग हाउ बींग वल्नरेबल इज ऑल्सो स्ट्रेंथ वलनरेबल मतलब यू अंडरस्टैंड वलनरेबल मतलब अपना वीकनेस रहना भी ये कोई गलत नहीं है एंड देर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बिटवीन लक्ष्मण एंड राम आई विल पॉज हियर आई फील यू शुड डू सम कीर्तन बिकॉज दैट विल हेल्प अस एंटर द मूड कल भी है हम लोग इधर परसों भी है 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 तो जल्दी तो नहीं है कैन वी डू समर की क्या था राम को देख कर श्री जनक नंदी ने सो इट इज लाइक राम एंड सीता सींग इच अदर एंड एंड दे वुड इज अलिब्रेटिंग देअर यूट टू से समथिंग कामाक्षी एंड फॉर डेवोटिस दिस इज द ग्रेटेस्ट जॉय राम एंड सीता कमिंग टुगेदर तो ये भजन जो पहला भजन था राम को देख कर दशरथ अपना राम को देख कर जनक नंदिनी एंड दैट द सेकेंड भजन ऑल्सो यू नो इट्स लाइक द सीता से नाता जोड़ा है यू नो इट्स लाइक राम एंड सीता कमिंग टूगेदर वेन एवर दीजन आर संगज बिकम मोर हैप्पी बिकॉज डेवोटिस का हमेशा मूड रहता है हाउ टू गेट राधा एंड कृष्णा टुगेदर हाउ टू गेट सीता एंड राम टुगेदर ये वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है वी आर ओनली थिंकिंग हाउ आई कैन एंजॉय आई कैन एंजॉय मतलब सेपरेट कृष्णा फ्रॉम सेपरेट कृष्णा द एनर्जी फ्रॉम कृष्णा देयरफॉर दिस भजनस ना ये जो दो भजन गाया प्रभु जी ने ये हमको मेडिटेट करना चाहिए हमेशा वृंदावन का यही मूड है वृंदावनम व्हाट इज दैट वृंदावनम वृंदावनम हाँ वृंदावनम गोपगणाश्च गोप्य विलोक्य गोविंद विख खिन्नम राधा जगुश्श्रु विलोचनाभ्यांद दोदर माद वेति वृंदावनम गोपगणाश्च गोप्यो गोपगन सारे गोपीगन वृंदावन में क्या करते हैं गोविंदम वो रो रहे हैं हमेशा कि अरे गोविंद से वियोग है हमको कृष्ण से सेपरेशन है बट दे आर फीलिंग मोर सैड बिकॉज नेक्स्ट टू दैम इज राधा श्रीमती राधा रानी इज क्राइंग द मोस्ट राधा जग शाश्रुविलोचनाम कृष्ण से कोई अधिक प्रेम नहीं करता जितना राधा रानी करते हैं सो दे आर मोर पेन इज राधा रानी शुड मीट कृष्णा उनका वही डिजायर है And therefore they are singing, O oh Krishna, come back. Govinda Damo Dharama 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 िस इज अवर मूड हमारा गौड़ वैष्णव मूड हमेशा सेलिब्रेशन का है वेन राम एंड सीता कम टूगेदर दिस वर्ल्ड टीचे हाउ टू सेपरेट द एनर्जी फ्रॉम कृष्णा रावण मेंटेलिटी क्या है रावण आपको पता है स्टोरी ना कुर्म पुराण में भी समझाया गया है कि रावण ने माता सीता को स्पर्श नहीं किया अग्निदेव कैप्स सीता एंड इट वॉज माया सीता जो रावण ले गया रियल सीता को वो स्पर्श नहीं कर पाया पुराण में पूरा स्पष्ट लिखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा जो एंजॉइंग टेंडेंसी है ना एंजॉइंग टेंडेंसी जब रहता है वी 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 डोंट एक्चुअली एंजॉय आर आर इन इल्यूजन डीलिंग विद इल्यूजरी एनर्जी अभी फॉर एग्जाम्पल हम हरि नाम कर रहे हैं हरिनाम हम करते हैं तो किसका नाम ले रहे हैं राधा एंड कृष्णा माँ हरा एंड कृष्णा हरे कृष्णा जब कर रहे हैं ना तो हम क्योंकि हमारा भाव कैसा है रावण जैसा है एंजॉइंग एंजॉइंग मूड है ना तो आपको मैं दुखी नहीं करना चाहता हूं पर जब हम एंजॉइंग मूड में जब करते हैं तो हम वास्तव में हरि नाम को स्पर्श नहीं कर रहे हैं वो माया है इसलिए भक्ति ठाकुर बोलते हैं केवल अक्षर में होली नेम नहीं है इट्स नॉट सिंपली द लेटर व्हेन वी द इल्यूजरी एनर्जी वी हैव टू डेवलप दिस सर्वेंट कृष्णा अभी देखिए जब कुंदिना ग्राम में क्या हुआ विदर्भ राज्य में कौन रहता था उधर रुक्मिणी माता रहती थी तो कुंदिना वासियों का क्या एंग्जाइटी था सबसे बड़ा उनको दुख था कि शिशुपाल के साथ विवाह होगा हमारी रुक्मिणी का वो लोग क्या चाहते थे दे ऑल वॉन्टेड कृष्णा प्लीज कम एंड टेक रुक्मिणी रुक्मिणी बिलोंग्स टू यू कुंदिना वासियों का विदर्भ में दे वर ऑल प्रेइंग कृष्णा शुड कम कृष्णा शुड कम शिशुपाल शुड नॉट टच तो शिशुपाल जरा सब रुक्मिणी को देख रहे थे वो देख रहे थे वास्तव में नहीं रुक्मिणी की सुंदरता को नहीं देख सकते हो दे आर कवर्ड बाय इल्यूजरी पोटेंसी यू कैनॉट कॉन्टैक्ट यूर सेंसेस के नॉट टच द लॉर्ड एंड लॉर्ड इंटरनल पोटेंसी जब वेन हैव एंजॉयर मूड जब सेवा का भाव रहता है तभी हम उनके सामने जा सकते हैं सो so, हमारा मूड कैसा है डेवोटिस का वी वॉन्ट बी लाइक द कुंद रुक्मिणी कृष्ण को साथ में लाना है हमको ब्रजवासी बनना है, हमको राधा कृष्ण को साथ में लाना है हमको अयोध्या रावण और राम मेंटेलिटी सबसे बड़ा डिफरेंस ये हरिनाम करते हुए भी हरिनाम से दूर रहते हैं इसलिए आप ये श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहराइए बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाये पदे कृष्ण प्रेम धन जन्म तक आप श्रवण कीर्तन करेंगे श्रीमती राधा रानी का नाम लेंगे फिर भी तबु तो न पाए पदे कृष्ण प्रेमधन आपको कृष्ण मिलेंगे ही नहीं क्यों हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा एंजॉइंग टेंडेंसी जब तक है दैट इज डेंजरस इसलिए ये सब ऐसा भजन है ना वी शुड सेलिब्रेट एंड वी शुड डिजायर दैट कृष्णा आई वॉन्ट टू बी सर्वेंट आई वॉन्ट टू सी ये जो एक्चुअली ये जो कल्चर है ना पूरा वो दैट मैथिली ठाकुर एंड ब्रदर्स आयाची एंड ऋषभ वो तबला बजाता है वो एंड दिस थ्री ब्रदर सिस्टर्स एंड देयर फादर वो जीनियस है वो ऐसा सब भजन निकाला उन्होंने सब गांव गांव से राम का और उसको ऐसा लोकप्रिय कर दिया वी शुड गिव क्रेडिट टू देम ये पूरे पहले ना इंडिया में से यही होता था, था। गांव-गांव में यही लोग करते थे शाम को आके भजन गाते थे मैं गांव में बड़ा हुआ उड़ुपी में मैं बताता हूँ मेरा लाइफ कैसा था पहला दस साल रोज मंदिर में प्रसाद <laughs> दोपहर को कभी नॉन प्रसाद खाया ही नहीं दस साल और रोज शाम को मंदिर जाके बैठने का आगे बच्चे जैसे बैठे ना ऐसे आगे बैठने का और उधर ऐसा मेरा जैसा कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देता था ड्रामा होता था शाम को ड्रामा होता था सब वो लोग मंदिर में ड्यूटी अलग अलग ड्रामा करते थे और सारे बच्चे हम लोग आगे बैठ के ड्रामा देखते थे एंड वी टू सेलिब्रेट महाभारत रामायण का एवरी डे ड्रामा पूरा लाइफ ऐसा निकल गया पहला दस साल अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे कोई भीड़ नहीं वो हॉल में उधर चार पांच बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं बस बाकी लोग सब घर पे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं आईपीएल देख रहे हैं वो कल्चर ही चला गया लुप्त तो हो गया वो इतना दुख होता है बाप रे इतना पेन होता है और रथ यात्रा भी जो होता है रोज उसमें हम लोग जब छोटे थे तो इतने हज़ारों लोग रहते थे अभी तो कोई नहीं रहता है और जो थोड़े बहुत रहते हैं वो लोग भी सेल्फी निकालते रहते हैं बस मतलब इतना पेन होता है ना मैं आपको बता नहीं सकता इतना दुख होता है ऐसा कल्चर था रोज शाम को बैठने का ड्रामा देखने का घर पे आने का और इतना और एवरीथिंग वाज कृष्णा इज द सेंटर लॉर्ड राम इज द सेंटर हनुमान का ग्लोरीज़, वॉट इज हनुमान पर्सनैलिटीदर फिर मैं बॉम्बे आया टेन इयर्स के उम्र में सीधा मुझे अच्छे से याद है 1982 टू वो था मैं गांव से मैं मतलब फिर मेरे पिताजी मम्मी मुझे तो इधर लेके आए क्योंकि गांव में बात फैल गया कि ये इतने बड़े ऑफिसर का बेटा इधर गांव में नाना आने के साथ रह रहा है एक दिन मंदिर ज्वाइन कर लेगा उनको डर लगा तो बॉम्बे लेके आए उनको क्या पता था कि बीस साल बाद वापस <laughs> 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 जो भाग्य <बागी> में है <laughs> <laughs> तो तो मैं बॉम्बे में हम लोगों का क्लब था कपरेट में रहते थे साउथ बॉम्बे में तो उधर मैं को मालूम ही क्लब, क्लब क्या होता है उधर स्विमिंग पूल पहली बार देखा लाइफ में टेनिस कोर्ट ये सब कुछ आइडिया ही नहीं तो पिताजी मेरे भाई थे दो छोटे तो हम लोगों को लेके गए बोले क्लब में आज पार्टी है ये है तो हम लोग उधर गए वे आर अ वेरी कल्चर्ड फैम माई फादर इज फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड तो हम लोग बैठे थे तो उधर एक ड्रामा किया वो लोगों ने यूथ ने नाइनटीन की बात है और ये लोग इतना गंदा ड्रामा किए रामायण के ऊपर मतलब सब पैंट शर्ट में एंड देर इट वॉज अ स्पूफ यू नो स्पूफ स्पूफ ऑन रामायण जिस नाइनटीन एटी टू और मैं आगे बैठा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रामायण है पर ये लोग तो सब टी शर्ट में एंड ऑल गंदा गंदा मतलब नॉट वलगर बट चीप मतलब जैसे वो जटायु मर रहा है उसको याद नहीं आ रहा है राम बोल रहा है बताओ मेरी सीता कहाँ है बोलता हैं कुछ याद नहीं आ रहा है फिर लक्ष्मण राम को बोलता है भैया उसको सौ का नोट दो याद आएगा यू नो यू नो वाट आई एम सीइंग दिस इज लाइक जोक बट जोक ऑन रामायण जटायु और मैं बच्चा हूँ मैं हंस नहीं रहा था मैं पूरा कन्फ्यूज हो गया क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था <laughs> तो बच्चे को ना समझ में नहीं आता मैं ऐसे बैठा हूँ कन्फ्यूज मैं रो रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है कन्फ्यूज़ हो गया अफकोर्स माई फादर क्रिएटेड अ बिग सीन आफ्टर दैट उन्होंने जाके वो सब तो उनसे बड़ा झगड़ा किया उनके साथ एपोलॉजी मंगवाया क्योंकि हमारे घर में एवरी एवरी ईयर सुंदरकांड अपना रामायण होता था एवरी ट्यूजडे सुंदरकांड होता ही था बट एवरी uh, रामनवमी ट्वेंटी एट आवर्स पूरा रामचीरित का पार्ट होता था और हम लोग साउथ इंडियन थे और फिर भी होता था और मेरे पापा के ऑफिस के सारे जो यूपी के भैया लोग हैं सब आते थे मस्त वो लोग करते थे और हम लोग भी ज्वाइन करते थे इट अमेजिंग फेस्टिवल सो सो आई तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऐसे कितने बच्चे होंगे इनोसेंट दे ग्रो अप नॉट गेटिंग द रियल रामायण ऐसा जो अमित त्रिपाठी ये लोग का जो सब एनालिसिस रहता है अलग अलग गंदा गंदा परपोर्ट्स देते हैं बहुत लोग रामायण के ऊपर वो सब इट्स वेरी वेरी आई वोट डिस्कस द डिटेल्स देख के नहीं दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम दिस स्पेस

प्रभुपात का ना जोकिंग का भी एक स्टाइल है वो प्रभुपत बोलते हैं मैंने देखा बाहर वो एक दुकान के बाहर न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने देखा कि एक बाप अपने बेटे को लेकर चल रहा है तो वो दुकान के बाहर ना दुकान के अंदर वो कपड़े का दुकान था तो मैनेक्विन रहता है ना मैनिक्विन बोलते हैं वो एक लड़की का ऐसा ड्रेस में वो लड़की खड़ी है तो प्रभुपत स्टार्ट चकलिंग वो बोलते हैं वो बच्चा वो पापा से लड़ रहा था बोल रहा था मुझे वो लड़की चाहिए लड़की चाहिए तो प्रभत लाफिंग वो बच्चे को क्या पता वो लड़की है ही नहीं क्विन वो रियल है ही नहीं वो श्वास नहीं ले रही वो जिंदा नहीं है वो मृत है वो एक सिर्फ mannequin है लाफिंग बच्चे को वो चाहिए इज एक्विन और उसके पिता दैट फादर में बी फैसिंग द गर्ल इन द शोरूम इन देंस व रियल गर्ल द फादर तो डिफरेंट बिटवीन चाइल्ड एंड फादर इज चाइल्ड एक नश्वर जो है ही नहीं अनरियल चीज को अट्रैक्टेड है और फादर किसे अट्रैक्टेड है नश्वर चीज से जो है वो तो टेम्पररी है फिर प्रॉपर बोलते हैं बट अ योगी ही विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू द मैनिक्विन नॉट द गर्ल इन द शोरूम बट द सोल इन दैट गर्ल्स बॉडी ही इज सींग नॉट द मैन ए क्विन ईज नॉट सीइंग द गर्ल ही इज सींगट सोल एंड ई वॉन्ट सेट सोल टू बी यूनाइटेड विथ कृष्णा ऐसा शिला प्रभात बोलते हैं तो मुझे वो इतना हिट हुआ हम लोग कैसे ना ये फ़ोन में देख रहे हैं मतलब मैनएकिन जैसा ये अनरियल है कुछ है ही नहीं इसमें हम देखते हैं ना डांस म्यूजिक मूवीज कुछ भी नहीं है कुछ लोग वर्ल्ड में नहीं रहते रियल वर्ल्ड में रहते हैं वो भी टेम्पररी है बट रियल डेवोट इज मतलब वी गो बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस वी कनेक्ट टू दोल व सर्वेंट ऑफ जीवे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास उसमें जो आनंद है ना आपको ऑनेस्टली बताऊँ आपको अभी जो कीर्तन भजन में आनंद आ रहा है कथा में आनंद आ रहा है इसमें हीरो कौन है राम है कीर्तन में हीरो कौन है आपको लगता है सूर्य प्रभु हीरो अभिषेक प्रभु हीरो मृदन बजा रहा है वो हीरो है नहीं हिरो कौन है कीर्तन में होली नेम होली नेम इज अरो हमारे राम कथा में राम हीरो हम लोग राम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं वी वॉन्ट टू बी सर्वेंट और उसमें आप सबको आनंद आया ना डोंट यू फील सेंस ग्रेटिफिकेशन यूजलेस वेन यूर इन दैट स्पेस लगता है ना सेंस ग्रेटिफिकेशन बेकार लगता है तो सोचो अगर हमारी ये चेतना हमेशा रहेगी तो कितना दिव्य वातावरण निर्मित होगा इफ द होल वर्ल्ड इज ओनली थिंकिंग ऑफ सर्विस सर्वेंट मूड ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं मुझे शर्म भी आ रही है पर क्या करूँ ये रियलिटी भी है वी हैव टू समो कम टू दैट कॉन्शियसनेस तो प्रपात बोलते हैं कि एक ही चीज अगर हम प्रे करेंगे तीन वर्ड्स का प्रेयर प्रपात ने बताया अगर हम ये प्रेयर हमेशा करेंगे ये आप कल जपा में ट्राई कर सकते हैं अगर हम ये प्रे करेंगे ना तो वी कैन कम टू दैट स्टेज ऑफ एक्चुअली वॉन्टिंग सींग नॉट द बॉडी बट द सोल वो प्रेयर में बताता हूं पहले एक पॉइंट आप समझो हमारी अवस्था वैसी ही है जैसे अपने बच्चों को देखा है हम लोग मैंने बचपन में मेरी बहनों को देखता था वो लोग घर पे ना वो खिलौनों के साथ खेलते थे घर घर का खेल खेलते थे होम तो उसमें ना टॉयज रहता था अलग किचन का पूरा किट रहता था चिल्ड्रन नाउ इज ऑल्सो प्ले चिल्ड्रन वो किचन का किट रहेगा कोई माँ रहेगा कोई पिता रहेंगे सब पूरा उस दुनिया में रहते हैं पूरा अपराटिक रहता था सर्विंग का स्पून ये वो कुकिंग पॉट्स पर जब बच्चों को भूख लगता था क्या करते थे मम्मी तो मम्मी बोलती थी ठीक है खाओ तुम्हारे पास सुधे पूरा किचन का सेट है खाओ असली खाना चाहिए तो मम्मी के पास जाना पड़ेगा ये सब खिलौना है तो ये बहुत ही जगत में जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना वो बस थोड़ा आपको मन को वो करेगा बट जब भूख लगेगी जो एक्चुअल जो वैक्यूम है जो खोखलापन है उसको केवल माँ ही पूरा कर सकती है ओनली कृष्णा कैन गिव अस सुमित्र राधा रानी कैन गिव तो उसमें भी कैसे है ना तीन टाइप के लोग हैं एक तो बच्चे जो पूरा एब्जॉर्ब है खेलने में और कोई आके बोल रहा है बच्चों इससे पेट नहीं भरेगा मम्मी के पास जाओ वो लोग बोलते हैं कौन आ गया बोरिंग डिस्टर्ब कर रहा है भागो हमको डिस्टर्ब मत करो हम खेल रहे तो हम लो ये लोग ये मेटेरियलिस्टिक लोग हैं जो एफुकेशन में इतने एब्जॉर्ब है कोई आके उनको बोलता है शिला प्रपात जैसे कह रहे आप ये सबसे कुछ नहीं होगा कृष्ण का आश्रय लो वो बोलते हैं भागो यहाँ से ये मेटेरियलिस्टिक लोग हैं उसके ऊपर ना हम लोग है सेकेंड लेवल पे हम लोग क्या अच्छे फैमिली से कल्चर्ड लोग हैं तो हम लोग भी बिजी है खेलने में खिलौनों के साथ ही खेल रहे मस्त रमण कर रहे हैं और हरे कृष्णा वाले आके प्यार से बोलते हैं अरे इससे पेट नहीं भरेगा कृष्ण के आश्रय लो तो हम क्या करते हैं क्योंकि हम कल्चर्ड फैमिली से हैं हम रिस्पेक्टफुल हैं हम सुनते हैं उनको कुछ बोलते नहीं क्योंकि वो हमारा कल्चर है रेस्पेक्ट करना फिर वो जाते हैं फिर अपना वापस गेम चालू क्यों क्योंकि भूख नहीं लगी है हमको वी आर नॉट डिजायरिंग कृष्णा तो वी आर ऑल्सो लाइक दैट ओनली बट आप देखोगे जर्नी होम राधानाथ स्वामी भक्ति तीर्थ स्वामी ये सब लोग जो थे ना भगवान की खोज में जो निकले उनको एक हंगर था एक डिजायर था कृष्ण को पाना है क्योंकि ये सब दुनिया देख लिया था उन्होंने एक खिलौना है सब यूजलेस टॉयज है आई वॉन्ट ओनली कृष्णा तो अभी हम लोग वो लेवल पे नहीं है हम लोग सेकेंड लेवल पे टाइम पास कर रहे हैं <laughs> तो हमें क्या करना है हमें वो भूख बढ़ाना है वो लेवल पे आना है सो so उसके लिए प्रोपाद ने प्रेयर दिया प्रोपाद ने कहा सो वेन चैंटिंग जस्ट ऑफर दिस थ्री वर्ड्स वॉट आर दोस थ्री वर्ड्स प्लीज एक्सेप्ट मी वेन वी प्रे दिस कृष्णा आप मुझे प्लीज एक्सेप्ट इसमें ना बहुत बड़ा प्रेयर है प्लीज एक्सेप्ट मी मै हम क्या बोल रहे हैं कृष्णा इसमें बहुत कुछ बोल दिया हमने कि कृष्णा मैं बहुत पतित पति मैं इतना तुच्छ मैंने इतना गड़बड़ किया इतना घोटाला किया इतना नॉनसेंस हूं मैं बट प्लीज एक्सेप्ट मी आपके अलावा मेरा कोई नहीं है वो जो प्लीज एक्सेप्ट मी ना और साथ में होप भी है बिकॉज कृष्णा इमिडियटली रेसिप्रोकेट्स प्रोट कृष्णा शरणागति टेक वॉर्कती फील दैट पर्सन हार्ट विद लव वी ऑफर दिस प्रेयर वेल चैंटिंग

फाइव थर्टी तो हम लोग एवरीडे मिल रहे हैं और मंगल आरती बहुत अच्छा हो रहा है इधर फाइव थर्टी के बाद सिक्स फिफ्टीन तक सब हो जाता है फिर सिक्स फिफ्टीन से हम लोग जपा करते हैं राइट और जपा में कल आप एक टेक्निक कीजिए मैं बोल रहा हूं ये नेक्स्ट लेवल का जपा होगा आपका हम लोग कैसे सब ऐसे बैठे रहते हैं जपा में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग छ से आठ लोगों का एक सर्कल बनाएंगे या सेमी सर्कल सर्कल में बैठ के जब जब करते हैं ना ऐसे चार 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 छ लोगों का सर्कल आठ लोगों का सर्कल उसमें एक एनर्जी संकीर्तन का एनर्जी होता है हम लोग बचपन मेरा जो इस्कॉन में पहला दस साल उससे ऐसे ही गया सर्कल चैंटिंग उसमें सब प्रे क्योंकि एवरीबडी दुकिंग बीच बीच में तो वी बिकम कॉन्शियस एंड वी बिकम प्रेयरफुल इधर अकेले बैठे रहते ना कोई हमको देख नहीं रहा है ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे को देखो बट सिटिंग इन द सर्कल हेल्प्स इट्स साइकोलॉजिकली इट हेल्प्स वेरी वेरी हेल्पफुलॉल टेक्निक्स बता रहा हूँ इट हेल्प्स टू रिमाइंड इच अदर ऑफ प्रेंग तो कल आप कर सकते हैं कल हम लोग जपा में ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कल है ना जपा के लिए टाइम रहेगा ना राजगौर इट विल बी देर सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली वी वॉन्ट टू बिकम रियली हंग्री फॉर कृष्णा अदरवाइज ए सब ना अल्टीमेटली वी विल नॉट फील वील फील वील गो बैक टू दॉइस और मटेरियल वर्ल्ड में ना बहुत अट्रैक्टिव टॉयज है हमेशा नया नया चीज आता रहेगा सुशीला प्रभुपाल सेड ऑफर दिस प्रेयर प्लीज एक्सेप्ट मी कृष्णा सो नाउ आई विल कंटिन्यू टुमारो बट वी शुड हैव वन फाइनल कीर्तन चलेगा ना प्रभु जी थैंक यू सॉरी इफ आई स्पोक बियॉन्ड माई रियलाइजेशन बट दिस इज वो कॉन्टेक्स्ट में आ गया वो राम को देखकर श्री जनक नंदिनी वो भजन में है वो मूड वही है